एंड हाउ मेनी लेक्चर्स, बट अभी तक जो हमारे सेशंस हुए हैं उसमें हमने कवर किया है बेसिकली 125 तक. सो द लास्ट लेक्चर वॉज अराउंड द स्टेट अफेयर्स एंड कौन कॉम्पिटेंट विटनेस है कौन नहीं है, व्हाट इज अ डम विटनेस, व्हेन वेदर हस्बैंड एंड वाइफ कुड बी विटनेसेस, वेदर अ मैजिस्ट्रेट कुड बी कॉल्ड टू बी अ विटनेस, वेदर अ मैजिस्ट्रेट कुड बी कॉल्ड टू डिपोज इन अ कोर्ट, व्हेन कैन ही बी कॉल्ड व्हेन ही गेट्स अ स्पेशल ऑर्डर. देन वी केम ऑन टू 122. वी टॉक्ड अबाउट डिफरेंट कम्युनिकेशंस रिलेटेड टू मैरिज. देन वी टॉक्ड अबाउट 123, 24, 25, जिसमें ऑफिशियल कम्युनिकेशंस होते हैं दो पब्लिक सर्वेंट्स के बीच में. देन देर आर कम्युनिकेशंस दैट आर मेड रिलेटिंग टू दी अनपब्लिश रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टेट या स्टेट अफेयर्स व्हिच यू कैन नॉट एक्चुअली डिपोज अबाउट. वी लिंक दीज सेक्शंस टू मेनी अदर सेक्शंस, फॉर एग्जाम्पल 162, जहाँ पे मैजिस्ट्रेट हैज द पावर टू डिसाइड वेदर अ थिंग हैज टू बी प्रोड्यूस्ड और नॉट, ऑल दैट स्टफ. नाउ व्हाट वी हैव कम टू इज येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, व्हिच इज मोस्टली यूज जब हम लिटिगेशन में होते हैं. तो ये एग्जाम्स में नहीं आता बिकॉज इट इज लिटिल टू कॉम्प्लेक्स फॉर द एग्जामिनेशंस टू एक्चुअली फ्रेम देम इनटू क्वेश्चंस. दिल्ली जुडिशरी वाले बच्चे जो हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, समटाइम्स दे गेट क्वेश्चंस फ्रॉम दीज चैप्टर्स घुमा फिरा के एप्लीकेबिलिटी डाल के, क्योंकि दे डू अ लॉट ऑफ हेवी स्टफ देयर. सो जो आज हमें करना है वो अगेन इज रिलेटेड टू योर प्रिविलेजेस एंड दीज प्रिविलेजेस स्टॉप सम प्लेस अराउंड 132. और उसके बाद दो सेक्शन आते हैं 133 एंड 134. 133 में हमें पता चलता है अकम्प्लिसेस की कितनी वैल्यू है, अकम्प्लिसेस की स्टेटमेंट्स की कितनी वैल्यू है, एंड 134 में हाउ मेनी पीपल आर नीडेड एज विटनेसेस और इफ देयर इज एनी यू नो स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीपल दैट आर नीडेड एज विटनेसेस. सो लेट्स स्टार्ट. ओके सो वी आर गोना स्टार्ट फ्रॉम 126. रीड करना शुरू करते हैं एक एक करके धीरे धीरे. So 126 says, no barrister, attorney, pleader or vakil shall at any time be permitted, unless with his client's express consent, to disclose any communication made to him in the course and for the purpose of his employment as such barrister, pleader, attorney or vakil by or on behalf of the client. Basically, chota mota jo iske andar diya gaya hai, wo ye hai, ki when you are in a relationship with someone and the capacities of a legal advisor, तो आपके बीच में जो communications हो रहे हैं वो आपके वकील को कभी भी कोर्ट में आके कंपेल नहीं किया जाएगा कि बताओ आपने इन्हें क्या बताया था, या बताओ आपने इनके लिए क्या स्ट्रैटेजी प्रपोज करी थी, या आपने इनको क्या लीगल एडवाइस दी थी कि आप ऐसे एविडेंस देना या ऐसे करना एग्जाम्पल. ठीक है, सो उस चीज के ऊपर इन्होंने बार किया हुआ, ना आप कंपेल करोगे और ना आप उसको परमिट करोगे. ठीक है, आगे, और टू स्टेट द कंटेंट्स ऑफ और कंडीशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट विच with which he has become acquainted in the course and for the purpose of his professional employment. The second very important part is ki ye us time period ke liye hai when you are in a professional capacity. Jab course of employment chal raha hai us time ke liye hai that you will not disclose the communication. Abhi hum sir upar upar se dekh rahe hain, then we'll go deeper and then we'll go alag se deeper when we'll see the judgments as well. Theek hai, or disclose any advice given by him to his client in the course and for the purpose of such employment. So teen hisse ho gaye, pehla koi bhi communication, second contents of a document, and third any legal advice given to the client. Three parts hai iske. Provided that, proviso kuch exceptional cheeze bata deta hai. So provided that nothing in this section shall protect from disclosure any such communication made in furtherance of illegal purpose. Obviously aap crime karne ke liye kisi ko help nahi kar sakte, aap legal advice isliye nahi de sakte ki aise bach jayega murder karke ya aise bach jayega fraud karke, you can't do that. And second, any fact observed by the barrister, pleader, attorney or vakil in the course of his employment as such showing that any crime or fraud has been committed since the commencement of his employment. अगेन उसी का थोड़ा सा ये एक्सटेंशन है. ऊपर वो कह रहा है कि एनी कम्युनिकेशन विच वॉज मेड इन फर्दरेंस ऑफ एन इलीगल पर्पस, वहां पे आपको खुद बताया गया था ओरली या एक्सप्रेसली जैसे भी बताया गया था. एंड सेकंड पार्ट कह रहा है कि बैरिस्टर ने खुद ऑब्जर्व कर लिया कुछ, तो अगर उसने खुद ऑब्जर्व कर लिया है आफ्टर द स्टार्टिंग और द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोफेशनल ड्यूटी, दैट थिंग इज नॉट वेयर द प्रिविलेज विल अप्लाई. अगर आप देख रहे हो कोई घबला कर रहा है आपके सामने सामने कर रहा है और कुछ चेंज कर रहा है और आपके सामने वो क्राइम हो रहा है, then you are not allowed to save that person. ठीक है, basically मोटी मोटी बात ये है. Now let's go deeper, थोड़ा सा इसको तोड़ तोड़ के समझने की कोशिश करते हैं. So this is how the section is broken. First of all, four kinds of people: barrister, attorney, pleader or vakil. Now इनके बीच में difference क्या है? It's not very important, but basically ये होता है कि हमें पता होना चाहिए प्लीडर कौन होता है. प्लीडर वो होता है जो हमारे मुख्तार होते हैं, हमारी तरफ से कुछ बोलते हैं कोर्ट के अंदर, वो मुख्तार होते हैं. वकील हम सब लोग हैं तो हमें कम से कम इसकी डेफिनेशन नहीं पूछनी चाहिए.
ठीक है, बैरिस्टर्स एंड अटॉर्नीज आर टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड विद डिफरेंट वेज दैट यू बिकम अ लीगल प्रैक्टिशनर एंड द काइंड ऑफ एडवाइस दैट यू गिव और द काइंड ऑफ कंसल्टेंसी दैट यू गिव. ठीक है, इसके अंदर हमें जाने की कोई जरूरत नहीं, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. सेकेंड पार्ट, दीज ऑल फोर पीपल शैल नॉट बी परमिटेड टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन. क्या कह रहे हैं, शैल नॉट बी परमिटेड. तो ये खुद तो डिस्क्लोज कर ही नहीं सकते, साथ में इनको परमिशन भी नहीं दी जा सकती. सो कोर्ट के पास भी पावर नहीं है ये बोलने की कि चलो हम आपको परमिट कर रहे हैं, आप अपने और अपने क्लाइंट के बीच का कम्युनिकेशन हमें बता दो और आप कहो कि बहुत बढ़िया भाई योर ऑनर ने बोल दिया मैं कर देता हूँ. नहीं, योर ऑनर जो है वो भी परमिट नहीं कर सकते आपको. ठीक है, सो शैल नॉट बी परमिटेड टू डिस. ऐसी ही चीज हमने पीछे भी देखी थी 122 जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें भी हमने कुछ ऐसा ही देखा था ना, ना वहां पे कंपेल किया जा सकता है ना परमिट किया जा सकता है. बिकॉज बोथ ऑफ दीज रिलेशनशिप, जब हम बात करते हैं मियां बीवी का रिलेशन एंड द रिलेशनशिप बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ लॉयर, दोनों बड़े नाजुक से हैं एंड दोनों में जब तक फ्री कम्युनिकेशन नहीं होगा, अनफेटर्ड कम्युनिकेशन नहीं होगा, तब तक वो रिलेशनशिप पनप नहीं सकता और इट कैनॉट गो हेल्दीली. राइट, जहां पे भी वो होता है ना जो बातें सोना बाबू वाली बातें जो होती है थोड़ी उसमें कमी आने लग जाती है एंड यू नो आप छुपाने लगते हो चीजें एंड ऑल दैट, इट बिकम्स अ टॉक्सिक रिलेशनशिप. अगेन दैट इज समथिंग दैट हैपेंस बिटवीन अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप जहां पे ट्रस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है. एक लॉयर क्लाइंट की जिंदगी आराम से खराब कर सकता है. राइट, तो उनके बीच में भी ट्रस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है. तो उन्होंने बोला कि हम अपनी तरफ से, लॉ जो है वो अपनी तरफ से भी इस चीज को सेफ रखने की कोशिश करता है कि ये सारी चीजें यार कोर्ट में लेके ही मत आओ, दीज थिंग्स कैन नॉट बी ब्रॉट टू द कोर्ट. सो ये चीज हमने 122 में भी देखी थी, उसको भी आप ऑब्जर्व करना और उसको भी मार्क कर लेना. 122 कहता है नो पर्सन हु इज और हैज बीन मैरिड शैल बी कंपेल्ड, पहली चीज, टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड टू हिम ड्यूरिंग द मैरिज, नॉर शैल ही बी परमिटेड. उसको परमिट भी नहीं करेंगे. राइट, सो दोनों चीजों पे बाहर है. तो दूसरी चीज ये हो गई. नाउ क्या क्या नहीं कर पाओगे आप, फर्स्ट वन इज टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड बिटवीन द क्लाइंट एंड द लीडर. ठीक है, सो अगर मैं अपने क्लाइंट को, अगर वो मेरे पास आया है और मेरे से पूछ रहा है कि यार मेरे घर में ऐसा ऐसा चल रहा है, आई थिंक आई विल हैव टू टेक अ डिवोर्स और आई थिंक दिस गर्ल इज गोना टेक मी फॉर अ राइड एंड शी इज गोना आस्क फॉर मेंटेनेंस, अगर वो ऐसा मेरे से पूछ रहा है और मैं उसको ये बता रहा हूँ कि भाई देखो इस तरह से होता है एंड द इंक्लिनेशन इज टुवर्ड्स द वुमेन, यू डोंट यू नो रिएक्ट ऑलरेडी एंड मैं तुम्हें बताता हूँ, यू स्टार्ट मेकिंग सम पेमेंट्स एंड यू यू नो स्टार्ट मेकिंग सम पेमेंट्स टुवर्ड्स द चाइल्ड एंड कुछ कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करनी शुरू करो, ऐसा कुछ एडमिशन लेने की कोशिश करो. ऑल दिस दैट आई एम डूइंग इज अ कम्युनिकेशन विच इज बीइंग डन टू सर्व द पर्पस ऑफ गिविंग हिम अ स्ट्रैटेजी, इज सर्विंग द पर्पस ऑफ मी बीइंग अ प्रोफेशनल एडवोकेट और अ प्रोफेशनल लीगल लीगल प्रोफेशनल जो उसको एडवाइस कर रहा है. तो हमारे बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रही है, ना मैं ये डिस्क्लोज अपने आप कर सकता हूँ और ना मुझे परमिट किया जाएगा कि मैं इसको डिस्क्लोज करूँ. तो फर्स्ट इज दिस. ठीक है, देन सेकेंड पार्ट क्या है, और टू स्टेट द कॉन्टेंट्स ऑफ एनी डॉक्यूमेंट. तो अब हम लोगों के बीच में जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो होता है ना कि समटाइम्स दे विल ब्रीफ अस, दे विल ब्रीफ अस ऑन कि सर मेरे साथ ये हुआ, मेरे पे ऐसे हाथ उठाया गया, फिर मेरी मासी ने ये बोला, फिर मामी ने ये बोला, फिर उनके दोस्त ने ये बोला और फिर जिसने भी जो भी बोला. तो आप यू कीप ऑन नोटिंग दैट डाउन कि ठीक है ये क्लाइंट आया है, इस डेट पे ये हुआ, इस डेट पे ये हुआ, वो सब कुछ बताएगा कि ये तो बड़ी नकचड़ी है, ये मामी तो हमेशा अपनी नाक घुसेड़ती है इधर और मासी तो ऐसा करती है, टांग अड़ाती है ना, सब कुछ बताएगा वो एंड यू नोटेड डाउन. नाउ ऑल दिस कम्युनिकेशन दैट इज बीइंग डन ऑन अ डॉक्यूमेंट, दिस बिकम्स अ डॉक्यूमेंट. तो आप इस डॉक्यूमेंट के कॉन्टेंट्स भी कभी भी डिस्क्लोज नहीं कर पाओगे, ना आपको परमिट किया जाएगा. ठीक है, बिकॉज इट इज समथिंग कॉन्फिडेंशियल. द पर्सन हु इज टेलिंग यू ऑल दिस इज डिपोजिंग इज रिपोजिंग सम कॉन्फिडेंस इन यू, दैट इज व्हाई ही इज टेलिंग ऑल दिस. अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो कभी भी कोई क्लाइंट किसी वकील के पास नहीं जा पाएगा और कोई वकील किसी क्लाइंट की हेल्प नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो सेकंड चीज हो गई द कॉन्टेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट एंड थर्ड हो गया डिस्क्लोज एनी एडवाइस गिवन बाय हिम टू हिज क्लाइंट. तो पहले आपने कम्युनिकेशन करी, फिर उसका ब्रीफ आपने ले लिया और उसके बाद आपने अपनी तरफ से उसको एडवाइस दिया. अब जो भी आप उसको स्ट्रैटेजी बता रहे हो, एडवाइस बता रहे हो, दैट अगेन इज अ कम्युनिकेशन विच कम्स अंडर द प्रिविलेज. सो ये तीनों चीजें आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते. राइट, ये तीनों चीजें ट्राइफर्केटेड होनी चाहिए दिमाग में, हमें पता होना चाहिए कि इन तीन चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी फॉरगेट, हमें बस ऐसा लगता है जो सारी बातचीत हुई वो सब कुछ कभी भी डिस्क्लोज नहीं हो पाएगा. सिर्फ एक ही वर्ड हमारे दिमाग में रहता है, एनी लीगल कम्युनिकेशन विच डज नॉट, विच इज अ वेरी वेग स्टेटमेंट टू मेक. सो इफ यू आर लर्निंग एविडेंस एक्ट द वे वी आर लर्निंग नाउ, you have to have it trifurcated. Dimag mein alag alag hona chahiye ki first thing is any communication made, then the second thing is the contents of a document, and then the third thing is the legal advice that you give.
So these three things are that we are talking about. Now, what are the other ingredients of this section? Agla ingredient hai, at any time pertaining disclosure. Kab disclose nahi kar paoge? So question kya hai? Pehli cheez hai. Pehla question hai. What can you not disclose? ठीक है? इसका आंसर हमने देख लिया. What can we not disclose? It is a separate question. 1, 2, and 3. These are the three things that we cannot disclose. And अगला question क्या है? When can you not disclose? और उसका आंसर क्या होगा? At any time. Which means the time before the employment also, during the employment also, and after the employment as well. वो तीनों टाइम होंगे. यही चीज हमने 122 में भी ऑब्जर्व करी, जहां पे हम कंफ्यूज भी हो रहे थे, कई सारे क्वेश्चंस भी हुए थे उसके अंदर. वहां पे भी सेम चीज है. टू क्वेश्चंस दैट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, बिकॉज इफ वी डोंट थिंक अबाउट इट वी मैंगल इट अप. हम लोग फिर उसको समझ नहीं पाते सेक्शन को. सो टू थिंग्स टू बी केप्ट सेपरेट. फर्स्ट थिंग, व्हाट कैन यू नॉट डिस्क्लोज? ऑल द कम्युनिकेशंस मेड टू यू ड्यूरिंग द मैरिज, व्हेन यू वर मैरिड. अगर 5 सितंबर से 10 सितंबर तक आप मैरिड थे, तो वो बीच में जो कम्युनिकेशन हुआ है वो नहीं डिस्क्लोज करोगे. और उसको कब डिस्क्लोज नहीं कर पाओगे? कभी भी नहीं. Not even after the marriage, not even the person has died, not even जब आपकी लड़ाई हो गई है, right? Not even आपने जब एकदम Facebook पे ब्लॉक कर दिया, WhatsApp पे ब्लॉक कर दिया, सब कुछ हो जाने के बाद भी आप नहीं डिस्क्लोज कर सकते. ये नहीं बोलोगे कि सर अब तो इसने ब्लॉक कर दिया Instagram पे, अब हो गई दोस्ती खत्म, अब मैं जा रहा हूँ कोर्ट. सो यू कैन नॉट डू दैट, ना उसके बाद और ना उससे पहले. सो टू क्वेश्चंस हैव टू बी केप्ट सेपरेट. व्हाट कैन यू नॉट डिस्क्लोज एंड व्हेन कैन यू नॉट डिस्क्लोज. ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट. द नेक्स्ट वन इज मेड टू हिम इन कोर्स ऑफ and for the purpose of employment. Now, first thing, in course of the employment, तो हम समझ गए. जब आपने उसको engage किया, मैंने आज वकील साहब के पास गया मैं, और मैंने बातें करी, मैंने अपनी witness सब कुछ बताया उन्हें, और उसके बाद से लेके say suppose district court तक वही मेरे वकील रहे, तो वो पूरा time, चाहे 2 साल, चाहे आज 5 सितंबर 2022 है, 5 सितंबर 2024 तक वो मेरे वकील रहे, उसके बाद अपील में मैंने किसी और को कर लिया, तो इतने टाइम के अंदर अंदर जो वो मेरे वकील थे, that was the course of employment. उस कोर्स में जो भी कम्युनिकेशन हुई कैन नॉट डिस्क्लोज. अगला क्या बोलता है? फॉर द पर्पस ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट. अब अगर मैंने या मेरे किसी क्लाइंट ने मेरे को ऐसी ऐसी फ्रेंडली एडवाइस के लिए मेरे से पूछ लिया कि यार राघव ऐसी बता दे कि यू नो देयर इज सम प्रॉब्लम गोइंग ऑन एंड देयर इज सम लैंड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, इट्स अ फैमिली डिस्प्यूट एंड आई वांट टू यू नो गेट इट पार्टीशन्ड एंड गेट आवर वे विद 60% ऑफ व्हाटएवर वी आर ओनिंग. और मैंने बोला ठीक है भाई, ऐसे कर सकते हो, वैसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो. Has he employed me? Was this a purpose of employment? नहीं है ना. तो there's a case law on this. अभी आगे हम आएंगे उस पे कि अगर आप as a friend उनसे advice लेने जा रहे हो ना, या as a friend उनसे बातचीत करने जा रहे हो, then you the person is not under the privilege and the person can come and disclose the communication if need be. And because he does not have the privilege, he can also be compelled under section 132 of the Indian Evidence Act. So कोर्स अपने आप में ये एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, और पर्पस ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट वर्ड है. ठीक है, देन कम्स द नेक्स्ट वर्ड, बाय और ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट. सो वो क्लाइंट ने भी बोला हो सकता है, या उसके बिहाफ पे किसी और ने भी बोला हो सकता है. सो मे बी आई हैव अ क्लाइंट सिटिंग हियर हु इज टेलिंग मी द स्टोरी, एंड उसी के साथ साथ जैसे अभी कुछ मतलब दिन में ही एक बेटा और एक माँ बैठे हुए थे, तो the beta was telling me my father a story and me also a story. So they were telling kya kya hua, ladai hui, uske baad ladki bhag gayi hai, all that stuff. Now usi ke andar there were a lot of tippanies that mummy ji was doing. Theek hai, to wo badi sari cheeze saath saath batati ja rahi thi ki mere saath bhi aisa hua, maine bhi aise fir usko whatsapp bheja, usne mujhe aise gaaliyan likhi, maine bhi usko gaaliyan likhi, badi mauj mein sari cheeze bata rahi thi aunty. Achhi kahani thi. So ab ye jo inhone bataya hai iske behalf pe, mera client to ye banne aaya hai because isi ke khilaf abhi warrant nikal rakhe hain aur yahi jane wala hai jail. Theek hai, iske behalf mein aunty ne bataya, aur ho sakta hai baad mein kabhi kisi cheez ke liye koi kisi document ko leke ye apne ghar ke kisi aur ko bhej de, apne cousin ko bhej de, ya ladke ko bhej de, ya kisi jo dukan pe baithta hai usko bhej de, ya kuch batane ke liye bhej de, to wo sari cheeze kya ho jayengi, by or on behalf of the client, mujhe unki taraf se communicate kiya gaya ya unki taraf se kuch documents diye gaye, that will also be a communication that will come under this section. Aur uske upar bhi privilege lag jayega and wo bhi main disclose nahi kar sakta court mein aake. Theek hai, so or on behalf ka bhi apna meaning hai, right? Aage badhte hain. Acha, isme ek word abhi missing hai, which is confidential. Where do we derive it from? We derive it from the word disclose. So isme bhi main ek judgment padh raha tha jisme likha tha, because the word disclose is written here,
वो डिस्क्लोजर हैज टू बी अबाउट समथिंग दैट इज कॉन्फिडेंशियल. इफ इट इज अ कम्युनिकेशन मेड रिगार्डिंग एनीथिंग व्हिच इज इन पब्लिक और इट वाज कम्युनिकेटेड इन पब्लिक, जैसे किसी पार्टी वार्टी में थे और वहां पे आपको कुछ बताया गया, या चार पांच लोगों के सामने कुछ बताया गया, या मीडिएशन टेबल पे जब सब बैठे हुए थे तब कुछ बताया गया, अबाउट दैट थिंग यू कैनॉट से कि ये तो मेरे को कम्युनिकेशन मेरे क्लाइंट ने किया था, आई विल नॉट डिपोज अबाउट इट और आई विल नॉट बिकम अ विटनेस रिगार्डिंग इट. यू कैनॉट डू दैट. आप किस चीज के लिए प्रिविलेज मांगोगे? ओनली दोज थिंग्स विच आर कॉन्फिडेंशियल बिटवीन यू एंड हिम. इट वॉज ओनली मेंट फॉर यू या फिर आपके आसपास के ऑब्वियसली क्लर्क्स एंड इंटरप्रेटर्स, दे आर यू, दे आर योर पीपल. तो उनको पता है तो कोई बात नहीं, बट इफ इट इज अ स्टेटमेंट मेड इन पब्लिक देन इट डज नॉट कम अंडर द डिस्क्लोजर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट विद रिगार्ड्स टू सेक्शन 20, 126. ठीक है. नाउ दो चीजें जो प्रोटेक्टेड नहीं है. फर्स्ट थिंग, कम्युनिकेशन मेड इन फर्दरेंस ऑफ एन इलीगल पर्पस. अब नाउ आप आगे वहां पे इलस्ट्रेशन देखोगे तो एक इलस्ट्रेशन कहती है द पर्सन कम्स एंड टेल्स यू दैट आई हैव कमिटेड अ फ्रॉड और आई हैव कमिटेड अ मर्डर, प्लीज सेव मी एंड यू नो मेरे लिए लिटिगेट करो आप. That is okay because that is what the profession is all about. ठीक है. But the another illustration says, अगर कोई आपके पास आता है और वो कहता है अभी तक हुई नहीं, अभी तक फ्रॉड मैंने किया नहीं है बट मैं करना चाहता हूँ, मुझे ये बता कैसे करूँ, बच के कैसे करूं? जैसे मजाक में भी हम ज्यादातर ऐसे ही बोलते हैं ना कई बार अपने दोस्तों को, कोई बोलता है अब तो मैं, अब तू तो एडवोकेट बन गया तो मैं आराम से मर्डर कर सकता हूँ, मैं जो भी करूंगा तो मुझे बचा लेगा, तो हम भी ऐसी मजाक में बोलते हैं कि हाँ मेरे से पूछ के करियो, पूछ के करेगा तो बचा रहेगा. तो दैट थिंग कैन नॉट हैपन एक्चुअली बिकॉज 126 का इलस्ट्रेशन ए या बी जो भी है दैट बार्स यू फ्रॉम डूइंग दैट. अभी तक कुछ हुआ नहीं है बट फॉर द इलीगल पर्पस यू आर एडवाइजिंग अ पर्सन, दैट कैन नॉट हैपन ऑब्वियसली. ठीक है. सो कम्युनिकेशन मेड इन फर्दरेंस ऑफ इलीगल पर्पस, इलीगल पर्पस को करने की फर्दरेंस में, अभी तक हुआ नहीं है इसके बाद होगा उसकी फर्दरेंस में आप एडवाइस मांग रहे हो. एनी क्राइम और फ्रॉड कमिटेड ड्यूरिंग और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, ड्यूरिंग ये है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट. तो आपकी आप जब एम्प्लॉय हो चुके हो उसके बाद अगर आप देखते हो कि बुक्स में इसने कुछ फिर से घपला किया है, ये अभी भी कुछ ना कुछ फ्रॉड कर रहा है, राइट, चाहे उस पार्टी ऑपोजिट पार्टी के साथ कर रहा हूँ या दूसरी किसी पार्टी के साथ कर रहा हूँ, नया क्राइम कर रहा हूँ, आपने ऑब्जर्व किया है कि ऐसा हुआ है, देन दैट इज नॉट अ कम्युनिकेशन दैट ही हैज मेड टू यू इन योर लीगल कैपेसिटी एंड इट इज नॉट अ कम्युनिकेशन मेड रिगार्डिंग दैट कन्फाइंड पर्पस जिसके लिए प्रिविलेज है, जिसके लिए आपकी सर्विसेज ली जा सकती है, आपकी सर्विसेज फ्रॉड करने के लिए नहीं ली जा सकती, तो वो चीज उसके अंदर फॉल नहीं करेगी एंड यू कैन कम टू द कोर्ट एंड डिपोज अबाउट इट. बिकॉज हमारे ऊपर ये प्रिविलेज या ये ड्यूटी जो लगाई गई है कि आप डिस्क्लोजर नहीं करोगे और आप कोई भी ऐसा मिसकंडक्ट नहीं करोगे, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं करोगे, ये ड्यूटी एक स्पेशल ड्यूटी है. बट इससे पहले एक जनरल ड्यूटी हर नागरिक के ऊपर है कि अगर कोई भी क्राइम होता हुआ आपको दिखता है तो यू विल नोटिफाई अबाउट इट, यू विल टेल द अथॉरिटीज अबाउट इट, राइट? दैट इज अ ड्यूटी ऑन अस विद सेक्शन ऑफ सीआरपीसी. सर, आई हैव डाउट हियर. Can I interrupt, sir? Yeah, of course. Sir, but most of the times we get into a trouble in case we are informing the authorities, no, sir, from the other end. Nahi, why do you get in trouble? How do you get in trouble? When did you get in trouble? Sir, actually, now I have to inform about a land grabbing case, but I'm really worried to do so. So that's why. Why are you worried about it? They may take revenge or something like that, no, sir. Like, why you see? Obviously, it does not tell you, the law does not tell you that you shall inform about it. You can inform about it. It's a duty on you. Agar aapko lagta hai ki you will put yourself in danger, then you do it in a discreet way. You send that communication to a police wala and they will take the investigation further and they will not tell anybody where they got the information from. Humne wohi dekha na privilege 125, 124 mein. So, but if it's a land grabbing case, then I have to inform the revenue department, no, sir. जिसको भी आप रेवेन्यू ऑफिसर को बताओ, इनकम टैक्स ऑफिसर को बताओ, या पुलिस वालों को बताओ, या मैजिस्ट्रेट को बताओ, यू कैन टेल देम. बट यू हैव टू बी डिस्क्रीट अबाउट इट. ऑब्वियसली सी द थिंग इज कि अब हम प्रैक्टिकली देखें तो ऑब्वियसली खतरा तो होता ही है. पीपल विल थ्रेट यू, पीपल विल डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स फॉर लैंड एंड मनी, एवरीथिंग हैपेंस फॉर दैट. वो तो होता ही होता है, वो तो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है. बट लॉ अपनी तरफ से ये नहीं बोलता कोई अगर आपको इन्फॉर्म करने आ रहा था इसको फंसा लो और इसको मारो और इसको थ्रेट करो. दैट्स नॉट व्हाट लॉ सेज. यू हैव टू बी डिस्क्रीट एंड यू हैव टू बी स्मार्ट अबाउट इट. गोपाल सर, डू यू हैव एनी यू नो एनीथिंग टू कंट्रीब्यूट हियर? किस तरह से इन्फॉर्म कर सकते हैं, क्या, हाउ कैन वी बी सेफ एंड ऑल दैट, व्हाट स्टेप्स कैन वी टेक? एक क्वेश्चन क्या मेरे सर, उनका क्वेश्चन ये है कि देयर इज अ लैंड ग्रैबिंग केस, समवन इज ट्राइंग टू ग्रैब अ लैंड, ठीक है, एंड these people if she informs about them then they will threat her or they might injure her or you know do all sorts of things. So how does she go about it? ye unka kya advocate hai? Nandini, are you acting as an advocate? No sir, they are my neighbors and they are trying to grab the government land. aaya bhi nahi
तो आपको इस सेक्शन का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर जो मैडम बात कर रही है? नहीं, इस सेक्शन का तो नहीं है वो. व्हाट शी सेइंग इज कि मैं इसके बारे में करना चाहती हूँ इन्फॉर्म अथॉरिटीज को, बट देयर इज अ रिस्क. करना चाहते तो बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से कर सकते हैं, जो लाइफ को ये लोग तो इंडेंजर करेंगे. हाँ, सो नंदिनी, द ओनली सॉल्यूशन इज, सी, इट्स अ ह्यूमन प्रॉब्लम, सो यू हैव टू डील विद इट वेरी डिस्क्रीटली. ओके, so you can inform the authorities and you can tell them that, you know, my name should not come out or it should not be disclosed. That's the best you can do. But obviously, apna tol bhav karke hi chalna aage. Isliye aise nahi ki zyada samaj seva ke chakkar mein aap apna nuksan kara lo. That also should not happen. But if you can do it, yeah, do it. Yes, sir. I'll try to, sir. Achha, dusra, actually, mein inka source unko pata kaise chala? Samne wali jo party inko threaten kar rahi hai. कुछ ना कुछ तो इन्होंने इनका रोल अभी तक threaten किया नहीं सर, अभी तक threaten किया नहीं है. अरे तो भी इनका रोल रहेगा तभी करेंगे, तो अपने रोल को मिनिमाइज करें. हाँ, बस डिस्क्रीट चले, दैट विल मिनिमाइज योर रोल एंड यू शुड, दे शुड नॉट कम टू मी. आई ट्राई टू दैट. ओके सर, थैंक यू. ठीक है, लेट्स गो अहेड. नाउ लास्ट पार्ट ऑफ द सेक्शन सेज दैट फर्स्ट थिंग, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट दैट द क्लाइंट ड्रॉज योर अटेंशन टू द सर्टेन पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट और सर्टेन कम्युनिकेशन या सर्टेन क्राइम दैट ही इज कमिटिंग. अब अगर उसने वो फ्रॉड एंट्री करी है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट, it does not have to be a communication made by him to you. It can be something that you have observed yourself. आपको खुद से पता चल गया, आपने books वगैरह check करी, आपने उसके CA को बुलाया, या आप जहां आप साइट पे गए आपको वहां पता चल गया कि ये खुद यहाँ पे अब you know land grabbing करने की कोशिश कर रहा है maybe, और he is trying to act smart and he is indulging into a fraudulent activity. आपको खुद observe करने से पता चल गया. तो law क्या कहना चाह रहा है, do not get confused, कि क्योंकि ऊपर communication की बात हुई है कि जब कम्युनिकेशन होगा तब प्रिविलेज मिलेगा, डज नॉट मीन कि यहां पे भी आपको कम्युनिकेशन होना चाहिए. दिस थिंग द फ्रॉड विच इज हैपनिंग सेपरेटली, नॉट, इट्स नॉट द थिंग दैट यू आर हायर्ड फॉर. अगर ये अलग से हो रही है, डज नॉट हैव टू बी समथिंग दैट इज कम्युनिकेटेड टू यू. जरूरी नहीं है कि वो ही आपकी अटेंशन ड्रॉ करें उस फ्रॉड की तरफ और बताएं कि देखो मैंने एक और फ्रॉड कर दिया, इसके लिए भी मुझे बचा लो. डज नॉट हैव टू बी लाइक दैट. अगर आपने खुद भी ऑब्जर्व कर लिया है and it does not fall under the category of communication from the client to you, still aapko koi problem nahi aayegi, aap jaye and aap, you can depose about it, right? yahan pe confusion to nahi ho rahi hai, because ye padhte hue logon ko bahut confusion hoti hai. yahan confusion nahi honi chahiye koi bhi. actually mein yahan pe observe word hai na, isko seriously nahi padhte, isliye hota hai. observe matlab ki aapne feel aapke mind mein kisi stage pe aaya hai. aur ye word isko observe ko जो है कम्युनिकेशन के साथ में मर्ज करके पढ़ लेते हैं, इसलिए ये गलती होती है. राइट, सो वी हैव टू स्टे अवे फ्रॉम दैट एरर. ठीक है, सो ऊपर हमें वो क्या बोल रहा है, एनी कम्युनिकेशन मेड बाय द क्लाइंट, एनी लीगल एडवाइस दैट यू हैव गिवन, और एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट दैट यू हैव मेड, इन सब चीजों के बारे में आप आके नहीं बताओगे. ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ है, मगर कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बाहर या फिर किसी इलीगल पर्पज के फर्दरेंस में आपके ऊपर कोई बार नहीं है. एंड उसका कम्युनिकेशन जरूरी नहीं है कि आपको क्लाइंट आके करेगा, आपने ऑब्जर्व भी कर लिया है तो भी आप आराम से डिपोज कर सकते हो जाके. राइट, सो दैट इज अबाउट 126. लेट्स कम टू सम जजमेंट्स अराउंड 126 एंड सम पॉइंट्स दैट वी शुड नो. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 126 का ऑब्जेक्ट क्या है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ऑब्जेक्ट ये है कि दोनों के बीच में, एक क्लाइंट और एक लीगल एडवाइजर के बीच में, देयर हैज टू बी सम कॉन्फिडेंस एंड देयर हैज टू बी सम कंफर्ट. उस कंफर्ट को प्रिजर्व करने के लिए एंड टू एक्चुअली मेक द प्रोफेशन रेलेवेंट, दे हैव ऑब्जर्व्ड कि 126 जैसा एक सेक्शन होना चाहिए जो ये बताएगा कि आप में से कोई भी एक दूसरे का ट्रस्ट ना तोड़े. राइट, तो आप कंप्लीट डिस्क्लोजर कर पाओगे, तभी आपको प्रॉपर सर्विसेज मिल पाएंगी और तभी किसी को आप बचा पाओगे, न्याय दिला पाओगे एंड ऑल दैट स्टफ. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द ऑब्जेक्ट. देन आर दी, क्या लिख दिया मैंने, चिकल गई मुझे अपनी सेक्शन, अपनी राइटिंग समझ नहीं आती, लेट मी चेक. आर दी इंस्ट्रक्शंस ऑफ द क्लाइंट इंक्लूडेड, यस, ओके, हाँ यही लिखा. सो आर दी इंस्ट्रक्शंस ऑफ द क्लाइंट इंक्लूडेड, सो आई ऑलरेडी कवर्ड दिस. अगर क्लाइंट आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, यू नो द क्लाइंट इज टेलिंग यू अबाउट द केस कि इस this person could be a witness, this person said this, this person said that, aur aap uska brief le rahe ho and you are writing those statements somewhere, that also forms a part of the communication that 126 wants to talk about. 126 jis communication ki baat kar raha hai usme ye bhi aa jayega. It does not only have to be direct communications regarding the purpose, whatever the purpose the person has come to you about.
ठीक है. सो जो वो इंस्ट्रक्शंस लिखेगा या आप इंस्ट्रक्शंस दोगे वो भी कम्युनिकेशन है, उसके बारे में भी आप कोर्ट में आके नहीं बता सकते. दिस वॉज द केस ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेज भौमिक 1981. देन देर इज अ लेटर दैट वॉज सेंट बाई प्लेंटिफ टू द एडवोकेट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. एक लेटर भेजा गया प्लेंटिफ के द्वारा अपने एडवोकेट को जब वो हायर हो चुका था, उसमें ये बताने के लिए कि देर हैज बीन सम डेवलपमेंट इन द केस. द अदर पार्टी इन द कोर्ट ट्राइड टू कन्विंस द कोर्ट कि सर आप इनके एडवोकेट को बुलाओ, इनके एडवोकेट को बुला लोगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने क्या, इन्होंने क्या लिख के उसमें भेजा था, एंड वी आर श्योर कि इन्होंने उसके अंदर अपने फ्रॉडुलेंट यू नो व्हाटएवर फ्रॉडुलेंट पार्ट दे हैव प्लेड, उन्होंने उसका जिक्र किया है उसके अंदर. तो आप एडवोकेट को बुलाओ, ही विल टेल, ही विल बी अ विटनेस. तो कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया दैट यू कैन नॉट कॉल द एडवोकेट बिकॉज ही इज अंडर द प्रिविलेज एंड ही विल, ही कैन रिफ्यूज इट अनलेस अंटिल क्लाइंट अपने आप कंसेंट कर दे. ऑब्वियसली क्लाइंट का ही है, वेवर जो है वो क्लाइंट कर सकता है क्योंकि राइट भी क्लाइंट का है. ठीक है. सो लेटर जो सेंड किया गया था एडवोकेट को, उसकी वजह से एडवोकेट को आप बुला नहीं सकते एज अ विटनेस बिकॉज ही कैन नॉट डिपोज अबाउट एनी कम्युनिकेशन मेड टू द क्लाइंट. सेकेंड, दिस एडवोकेट, एक दूसरा केस हुआ जिसके अंदर जो एडवोकेट था उन्होंने पूरी कहानी सुनने के बाद एडवाइस किया दोनों पार्टीज को कि आप ये कॉम्प्रोमाइज कर लो. ठीक है. उस टाइम पे कॉम्प्रोमाइज हुआ नहीं, दोनों पार्टीज अपना तुनक के बैठ गई और उसके बाद आ गई अगली डेट पे कोर्ट में. अगली डेट पे आए तो द अदर पार्टी रियलाइज कि यार वो सही था, जो कॉम्प्रोमाइज करा रहे थे ना वो सही था, बच जाते, इतना बखेड़ा ना होता. नाउ व्हाट दे से इज कि सर इन्होंने ना पिछली मीटिंग में हमें कॉम्प्रोमाइज सजेस्ट किया था एंड उस कॉम्प्रोमाइज में ये टर्म्स थी. यू आस्क द एडवोकेट टू कम एज अ विटनेस, ही विल डिपोज. यू कैन नॉट डू दैट बिकॉज दैट अगेन वॉज अ कम्युनिकेशन मेड टू द क्लाइंट, दैट वॉज अ स्ट्रैटेजी, दैट वॉज द रिजल्ट ऑफ द एक्सपर्टीज ऑफ योर लीगल प्रोफेशनल, है ना. सो अगेन दैट कम्स अंडर 126 का प्रिविलेज. Then he can say कि ना जी मैं नहीं आऊंगा. Okay. Then sometimes the question comes, whose protection is it for? Is it the client's protection or is it the lawyer's protection that 126 seeks? 126 किसकी protection कर रहा है? Client की कर रहा है. Correct. Client की कर रहा है. Lawyer नहीं आ सकता और कुछ ऐसा नहीं कह सकता जिसकी वजह से client को कोई दुख दर्द पहुंच जाए. ठीक है. So the protection is of the client. Now next one is, when do we say or when can we say that the relation has been terminated? हम कहते हैं ना कि इन दोनों के बीच में जब तक रिलेशन चल रहा था तब तक के कम्युनिकेशन आर द कम्युनिकेशन दैट कैनॉट बी डिस्क्लोज्ड. सो हम कब कहेंगे कि ये रिलेशनशिप टर्मिनेट हो गया? क्या हम कहेंगे कि जब लिटिगेशन एंड हो गई तो ये रिलेशनशिप एंड हो गया, या फिर हम कहेंगे जब पार्टी की डेथ हो गई तब ये लिटिगेशन एंड हो गया? So it's a question to everybody. नहीं, वो बीच में अगर एनओसी दे देता है एक एडवोकेट. एनओसी तो सर अलग बात है, एनओसी में तो ऑब्वियसली टर्मिनेट हो गया, ऑफिशियल कैपेसिटी खत्म हो गई, लेकिन लिटिगेशन के जो ड्यूरिंग तो कुछ वो दे नहीं सकता, लेकिन डेथ के बाद में तो अपने सिंपल बात है, डेथ में तो दोनों पार्टी की डेथ हो गई, लेकिन अगर डेथ के बाद में उनके जो दूसरे पार्टी के लोग आ रहे हैं तो अगर वो उनके कम्युनिकेशन बीच में हो तो वो भी नहीं कर सकते. सपोज करो डेथ हो गई, सन उस केस को आगे ले रहा है सक्सेसर, वो भी नहीं कह सकते. ठीक है. सो ये क्वेश्चन मैं सबके लिए छोड़ता हूँ. Now, question ये है, कब हम कहेंगे कि the relationship between the legal advisor and the client has been terminated? और termination की implication क्या है? कि जब client और बंदे के बीच का communication terminate हो जाएगा, उसके बाद का कोई भी communication आप disclose कर सकते हैं. ठीक है? That is the implication. Now, the question is, कि when do we say that the relation is terminated? Is it when the litigation is over, litigation खत्म हो गई, or when the party that you are an advocate for dies, or in both of these situations or in none of these situations? Both the situations, sir. Okay, Nandini wants to say both the situations, we say that the relationship is terminated. Right? Aur koi? Charu? Okay, Manila wants to say none of these. Manila says none of these. None of these का मतलब हो जाएगा कि टर्मिनेशन नहीं हुआ, दोनों ही केसेस में टर्मिनेशन नहीं हुआ एंड यू कैन नॉट डिस्क्लोज द कम्युनिकेशन. सर, as you have explained earlier that in case of litigation we have the professional ethics that we should not disclose the personal things or the facts whatever like we have taken from the client, we should never disclose it. So as per like I understood, it may be like none of this means after the litigation has been over, or maybe the party will may the party died. Okay, so ठीक है आपका. Okay, I'll tell you all. Monila का answer ठीक है, but reason गलत है.
All right. I'm sorry. I like maybe I understood something not then clear. Okay. Like yeah. It's okay. So aapka answer sahi hai that in none of these situations you can say that the relationship between the legal advisor and the client is terminated. दोनों ही कंडीशंस में आप नहीं कहोगे और दोनों ही कंडीशंस में उनका अभी भी रिलेशनशिप चल रहा है. अगर डेथ हो जाती है तो LRs आ जाएंगे और जरूरी नहीं है कि लिटिगेशन यहाँ खत्म हो गई है तो उनके बीच का रिलेशनशिप भी खत्म हो गया एज लीगल एडवाइजर एंड अ पर्सन, राइट. हो सकता है लिटिगेशन सिर्फ लोअर कोर्ट में खत्म हुई हो और हो सकता है नहीं, नंदनी हम यहाँ पे लॉयर के मरने की बात नहीं कर रहे हैं, हम पार्टी के मरने की बात कर रहे हैं. लॉयर क्यों मरेगा भाई अपना, ठीक है ना. सो लॉयर की बात नहीं कर रहे हैं, हम पार्टी की बात कर रहे हैं. यहाँ पे डेथ ऑफ द पार्टी लिखा है एंड पार्टी में नहीं आता. हाँ एग्जैक्टली. तो पार्टी जब मरती है तो उनके तो LRs आ जाएंगे. सो द लिटिगेशन कंटिन्यूज, द एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूज. एंड लिटिगेशन वाली सिचुएशन में भी कोर्ट ने ये बोला कि लिटिगेशन में भी यू कैन नॉट से दैट ये लिटिगेशन खत्म हो गई तो उनके बीच का कोर्स द एम्प्लॉयमेंट का कोर्स खत्म हो गया, ठीक है. अनटिल एंड अनलेस उन्होंने प्रॉपर, जैसे सर ने बोला कि प्रॉपर NOC वेनोसी सब कुछ हो चुका है, आप छोड़ चुके हो लॉयर को, आप कोर्ट में इन्फॉर्म भी कर चुके हो कि भैया ये नहीं है हमारे लॉयर अब, उसके बाद की कम्युनिकेशन जो है द इम्प्लीकेशन इज दैट तब डिस्क्लोज कर सकते हैं. मगर जब तक वो प्रॉपर वे ऑफ टर्मिनेशन नहीं है, एक्सप्रेस टर्मिनेशन नहीं है, तब तक आप नहीं कह सकते कि उनके बीच में रिलेशनशिप टर्मिनेट हो गया है एंड नाउ ही इज फ्री टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड. ऑब्वियसली वो बाद में भी नहीं कर सकता, जो उस टाइम के बीच में कम्युनिकेशन हुआ वो तो वो बाद में भी नहीं डिस्क्लोज कर सकता, मगर उसके बाद का जब टर्मिनेशन हो जाए उसके बाद का कम्युनिकेशन तो डिस्क्लोज कर सकता है. इसीलिए ये क्वेश्चन है कि उसकी इम्प्लीकेशन क्या है, कब टर्मिनेट हुआ हुआ मानेंगे हम उस चीज को, राइट. ऋषि सर आप कुछ कहना चाहते हैं? Yes, I just want to add two things that according to my understanding and experience, whenever there is a relationship of a lawyer and a client, lawyer should not disclose anything. Even if that relationship is over, after that also he should not disclose anything. Or maybe after the termination, if anything comes, he should keep himself away from all those things. And one more thing which I want to add for the knowledge of others, in my personal experience and practice, I found so many times that the clients were not cooperating and not giving or going according to my suggestions, and they were remaining absent from the court. So I served them a notice of termination and produced the copy of the termination before the court and withdrew my wakalat. So this is also one way to break the relationship from your client as far as the advocate is concerned, because he should not bring any allegation on the advocate. And if he is not listening to you, you can always serve him a notice, produce the copy of the notice and the confirmation delivery of the notice by maybe track record or anything. And then the court will drop your name from his advocate position. Right. That will be a safeguard for you. Right. That's perfectly what I wanted to add to it. That's all. Thank you. Thank you so much, sir. So basically, very important thing. जब भी आपका ऐसा टर्मिनेशन वाला यू नो यू वांट टू टर्मिनेट योर रिलेशनशिप विद समबडी, जस्ट हाउ ऋषि सर एक्सप्लेन द नोटिस एंड द प्रोसीजरल एस्पेक्ट दैट यू हैव टू फॉलो, डू दैट एंड देन यू आर डन विद द पर्सन. मगर स्टिल व्हाटएवर कम्युनिकेशन आपका उसके साथ हो चुका है वो तो आप कभी भी डिस्क्लोज नहीं कर पाओगे. उसके आगे कभी भी आपके साथ कोई कम्युनिकेशन होता है वो आप डिस्क्लोज कर सकते हो, फॉर दैट यू आर फ्री, ठीक है. गोपाल सर आप कुछ कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूं ऋषिपाल सर ने इसको क्लियर कर दिया. इसके साथ साथ दो एक चीज और है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रूल नंबर 7 और रूल नंबर 50 वो भी इसको बार करता है. रूल नंबर 7 एंड 50, रूल नंबर 7 एंड 15, इसको आप कम्युनिकेशन कभी नहीं करोगे, आगे भी नहीं करोगे. ब्यूटीफुल सर, थैंक यू. ऋषि सर एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू? नो, दिस इज व्हाट आई सेड, इवन आफ्टरवर्ड आल्सो इफ देयर इज एनी कम्युनिकेशन एडवोकेट शुड नॉट डिस्क्लोज. करेक्ट करेक्ट. इट इज बेटर फॉर द एडवोकेट टू कीप क्वाइट एंड रिमेन अवे फ्रॉम दैट क्लाइंट. Correct, right, sir. ठीक है, let's go ahead. Thank you so much, sir. Next one is, does it have to be a oral communication or has to be a documentary communication? I have already talked about it. So ये ऊपर वाला जो हम पढ़ रहे थे, litigation कब end होती है? The case is Aisha versus Peer Khan 1954. And oral communication होना चाहिए या documentary communication होना चाहिए? दोनों तरह के communications पे ही बार है. आप दोनों ही तरह का communication नहीं ला सकते court के सामने या disclose नहीं कर सकते. आप ये नहीं कह सकते ये तो मुंह से बताया था, इतना कोई serious matter नहीं है. So it covers both of the things.
डॉक्यूमेंट्री भी एंड ओरल भी, और ये भी इसी के अंदर है, आयशा वर्सेस पीर खान 1954, ठीक है। नेक्स्ट वन इज देयर इज एन एक्सेप्शन, जब आपका जॉइंट इंटरेस्ट होता है, आप किसी के लॉयर हो, मे बी देयर इज अ पार्टनरशिप फर्म, और उस पार्टनरशिप फर्म में एक बंदा लॉयर है और वो कंपनी में पार्टनर भी है। नाउ व्हेन देयर इज अ सिचुएशन लाइक दिस एंड देयर इज अ जॉइंट इंटरेस्ट ऑफ द लॉयर इन व्हाटएवर पार्टनरशिप इट इज, एट दैट टाइम दिस गाय डज नॉट हैव द प्रिविलेज, ही डज नॉट गेट द प्रिविलेज ऑफ अ लीगल एडवाइजर दैट अ लीगल एडवाइजर गेट्स नॉर्मली, राइट। अगर आपने बाहर के किसी लॉयर से किया है कोई भी कम्युनिकेशन, उस लॉयर के साथ तो आपके पास प्रिविलेज होगा, बट दिस पर्सन बिकॉज ही इज समवन हु इज कंसर्न्ड विद द फैक्ट्स, ही इज समवन हु इज अ डायरेक्ट पार्टी टू द केस, जस्ट बिकॉज ही इज अ लॉयर, आप सारे दरवाजे बंद नहीं कर सकते कोर्ट के लिए ये जानने का कि रियल मैटर क्या है कोर्ट में। ऐसे तो हर बंदा जिसको ऐसा लगता है कि मेरे को अगर एज अ विटनेस बुला लिया या मेरे को क्रॉस एग्जामिन कर लिया या मेरे को कंपेल कर दिया तो हमारा तो केस खराब हो जाएगा, वो क्या करेगा, फटाफट से किसी बढ़िया से कॉलेज में जाएगा, दीनदयाल ये इधर उधर दूरदर्शन, और वहां जाके एलएलबी की डिग्री ले लेगा और बोलेगा जी मैं तो लॉयर हूं, मैं कुछ भी कम्युनिकेशन आपको डिस्क्लोज नहीं करूंगा। तो ये तो बढ़िया वो हो जाएगा ना, निंजा टेक्निक। तो दैट्स व्हाट यू आर नॉट अलाउड टू डू, दैट्स व्हाई दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शंस, कि अगर आपका जॉइंट इंटरेस्ट है, जॉइंट इंटरेस्ट के केसेस में द पर्सन डज नॉट हैव दैट हैव दिस प्रिविलेज कि मेरे को ना बुलाया जाए और मेरे से ना पूछा जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, जो ये कंसेंट की बात कर रहा है कि जो क्लाइंट है दैट क्लाइंट कैन कंसेंट कि आप इसको इस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज कर दो, डज दैट कंसेंट हैज टू बी एक्सप्रेस और कैन इट बी इम्प्लाइड, कैन इट बी थ्रू हिज कंडक्ट, कैन आई हैव क्विक आंसर्स प्लीज। एक्सप्रेस होनी चाहिए, ओके, गोपाल सर कहते हैं एक्सप्रेस होना चाहिए, चारू एक्सप्रेस, ओके, शेल्वी सॉरी सर डोंट नो, ओके डोंट नो, श्रद्धा, नंदिनी सर इट कुड बी इंप्लाइड आल्सो, ओके नंदिनी सर इट कुड बी इंप्लाइड, एक्सप्रेस, ओके श्रद्धा सेज इन एक्सप्रेस, ठीक है। सो एक ही हमारे पास अलग आंसर आया है और वो एक आंसर गलत है। सो इट कैन नॉट बी एन इम्प्लाइड कंसेंट बिकॉज यहाँ पे ना ड्यूटी हैवी है, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्चुअल गुड रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू आर कैरिंग। यही चीज हमने सेक्शन 122 में भी पढ़ी थी, तो वहां पे भी जब हम कंसेंट पढ़ते हैं और यहाँ पे भी जब हम कंसेंट पढ़ते हैं तो द कंसेंट कैन नॉट बी अ छोटा मोटा कंसेंट, इट हैज टू बी अ प्रॉपर एक्सप्रेस कंसेंट कि आप ये चीज बता सकते हैं या ये चीज आप डिस्क्लोज कर सकते हैं या इस चीज के लिए आप क्रॉस एग्जामिन हो जाइए या इस चीज के लिए आप एज अ विटनेस कोर्ट के सामने आ सकते हैं, इट हैज टू बी एक्सप्रेस, ठीक है। देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट विच इज आरटीआई वर्सेस सेक्शन 126। नाउ आरटीआई अपने आप में एक स्पेशल प्रोविजन है और 126 हमारा एक जनरल एक्ट का प्रोविजन है, ठीक है। आरटीआई पावर ये देता है कि किसी भी तरह के कम्युनिकेशन को, किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट को, इन्फॉर्मेशन को बेसिकली निकलवाया जा सकता है, ठीक है, इट हैज टू हैव अ पब्लिक इंटरेस्ट सॉर्ट ऑफ एंगल। नाउ द कॉन्ट्रोवर्सी इज कि क्या हम आरटीआई यूज करके किसी वकील को बोल सकते हैं आके ये इन्फॉर्मेशन हमें दो या इस कम्युनिकेशन के बारे में बताओ, बिकॉज आरटीआई एक स्पेशल स्टैट्यूट है एंड एविडेंस एक्ट एक जनरल स्टैट्यूट है। Will the special statute prevail over the general statute in this condition or in this situation? Can I have the answers, Nandini? So generally, the government authorities are questioned and the information is obtained from them in the court. अगर हम public prosecutor से मांगना चाह रहे हैं, maybe. So it's also a government servant, I think. So RTI can be used against him? Not sure. चलो not sure, कोई बात नहीं, ठीक है, it's okay. Shall we? Sorry sir, don't know. अगर first class evidence की sir. कोई बात नहीं, you can have an opinion at least. You're yes, a lawyer sir. Already, yeah? Yeah, sir. चलो ठीक है, try to form some opinions, try to okay. take part. Shraddha, Monila. Sir, can we use RTI in versus, means in versus with the related with the accused or responded or defended? नहीं, देखो यहाँ पे privilege किसके पास है? Privilege is with the advocate, है ना? Yes, sir. तो वो पूछना ये चाह रहा है कि क्या इस privilege को आप bypass कर सकते हो using a special statute which is RTI? RTI को use करके आप इस privilege को भेद सकते हो? No, sir.
ठीक है. सो मोनिला वांट्स टू से नो. श्रद्धा वांट्स टू से नो सर. नो सर. श्रद्धा आल्सो सेज नो. ठीक है. सो द आंसर इज नो. दैट्स राइट. बिकॉज द थिंग इज 126 एक जनरल स्टैट्यूट का पार्ट तो है बट इट इज अ स्पेशल प्रोविजन. एंड आरटीआई जो है वो अपने आप में एक एक्ट तो स्पेशल है बट द नेचर ऑफ द प्रोविजन इन इट टू सीक इन्फॉर्मेशन इज जनरल. इट डज नॉट प्रिवेल ओवर सेक्शन 126 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट. एंड दूसरी चीज, आप कोई भी दो चीजों को, कोई भी दो स्टैट्यूट्स को लड़वा के उनसे एक दूसरे को बाईपास नहीं करवा सकते. आप बाय लूपिंग नहीं कर सकते. यू हैव टू हारमोनियसली कंस्ट्रक्ट एंड यू हैव टू टेक द लॉ टूवर्ड्स व्हाटएवर लॉजिक और व्हाटएवर रिजल्ट सर्व्स द जस्टिस. अगर यहाँ पे एक प्रिविलेज दिया जा रहा है तो जस्ट बिकॉज एन एक्ट कम्स आफ्टर दिस एक्ट एंड जस्ट बिकॉज इट इज अ स्पेशल एक्ट डज नॉट मीन वो बाईपास कर देगा. इसी के ऊपर हमने कल वाली क्लास में भी एक परसों वाली क्लास में भी हमने आईपीसी की क्लास में एक केस लॉ पढ़ा था, माया मैथ्यू वर्सेस केरला. उसके अंदर भी सेम चीज थी और बहुत इंटेलिजेंटली उसके अंदर कोर्ट ने ये पूरा डिसाइफर किया है कि एक स्पेशल स्टैट्यूट जिसके अंदर जो जनरल स्टैट्यूट के बाद में आया है एंड इट हैज अ जनरल सेक्शन, क्या ये ज्यादा भारी होगा या फिर एक जनरल एक्ट जिस जो पहले आया है एंड इट हैज अ स्पेशल सेक्शन, या ये भारी होगा. तो इस चीज के बारे में भी हमने पढ़ा. इफ यू वांट टू गेट इनटू द यू नो डीपर एस्पेक्ट ऑफ इट यू कैन रीड दैट केस लॉ. तो आपको बहुत अच्छा एक पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा. ऑब्वियसली आई कैन नॉट डिस्क्राइब ऑल दैट हियर एंड इट्स नॉट वेरी रेलेवेंट हियर बट द पॉइंट इज आरटीआई को यूज करके आप 126 के प्रिविलेज को बाईपास नहीं कर पाओगे. ठीक है. एंड दिस कम्स फ्रॉम अ जजमेंट कॉल्ड करमजीत सिंह वर्सेस पंजाब 2010. ऑलराइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. नाउ लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन पे मैंने बात कर ली है. अगर आप अपने आप ऑब्जर्व कर रहे हो उस केस में भी आप प्रिविलेज से बाध्य नहीं हो क्योंकि आउट ऑफ द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको कोई चीज पता चली है, कोई इलीगल चीज आउट ऑफ द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो रही है, उसके लिए आप बार्ड नहीं हो. उसके लिए आपके ऊपर कोई ऐसा यू नो 126 का बार नहीं है. जो वो कर चुका है और उस चीज के लिए आपके पास आया है, सिर्फ उस चीज से रिलेटेड कम्युनिकेशन जो है वो आप नहीं डिस्क्लोज कर पाओगे. दैट इज इट. इलीगल पर्पसेस नहीं करने एंड थिंग्स दैट यू हैव ऑब्जर्व्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, उन चीजों को भी डिस्क्लोज आप कर सकते हो. ठीक. नेक्स्ट वन, मुख्तार के बारे में मैंने आपको बताया, प्लीडर्स होते हैं. सो दीज पीपल ऑल्सो इफ दे आर द प्लीडर्स ऑल्सो इन द कोर्ट, या कोई भी ऐसा इंसान जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस पर्सन कैन नॉट बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज. कंपल्शन नहीं करी जा सकती. ठीक है. एंड कॉन्फिडेंशियल पे भी मैंने बात कर ली है कि जो मैटर है वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए. इट शुड नॉट बी एनीथिंग दैट यू हैव स्पोकन इन पब्लिक. इफ इट इज स्पोकन इन पब्लिक देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिस्क्लोजर. वो जब सबको पता ही है तो डिस्क्लोजर किस बात का हुआ, है ना. तो उस चीज में भी 126 अप्लाई नहीं करता. उसमें भी आपको कोई बार नहीं लगता कि आपको आपको कोर्ट में नहीं आने दिया जाएगा और डिपोज नहीं करने दिया जाएगा. गोपाल सर, यू हैव समथिंग टू से. चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं ये, प्लीडर होते हैं. हाँ, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट पे भी लगेगा सर, बिकॉज ही बिकम्स अ प्लीडर. बहुत अच्छा एग्जांपल है ये. सो जो प्लीडर वर्ड लिखा है, इट इज नॉट ओनली अ पर्सन हु इज लीगली कॉम्पिटेंट. इट कैन बी अ पर्सन लाइक अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कोर्ट जाते हैं एंड दे प्लीड फॉर यू. क्योंकि जीएसटी और इनकम टैक्स में ये इंफॉर्मेशन विदाउट क्लाइंट के कम्युनिकेशन की भी दे देते हैं. राइट. बिल्कुल. तो ये 126 का बार उनके भी लगना चाहिए. 126 का बार सर उनके ऊपर लगेगा. आप इन्फॉर्मेशन देखो, आप एज अ विटनेस आके उनके खिलाफ विटनेस नहीं बन सकते. दैट इज व्हाट 126 इज सेइंग. यू कैन नॉट बी कंपेल्ड टू कम टू द कोर्ट एज अ विटनेस एंड गिव एविडेंस. जितनी चीज वो घर से स्ट्रेटजाइज करके आए हैं वो चीजें तो वो बताएंगे और बोलेंगे. राइट. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इफ द लॉयर ब्रीचेस दिस ड्यूटी. अगर लॉयर अपने जो प्रोफेशनल एथिक्स हैं उनको ब्रीच कर देता है तो रेमेडी क्या है, क्या होगा लॉयर के साथ, व्हाट कैन यू डू. सर फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन टेक बैक एंड वी कैन आल्सो इन्फॉर्म द या इन्फॉर्म हूम. ओके. ठीक है. इट्स अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. बेसिकली जो एडवोकेट्स एक्ट है और जैसे सर ने बताया कि रूल्स हैं 7 and 50 ऑफ द बार काउंसिल एक्ट एंड एडवोकेट्स एक्ट जो है, उन दोनों में ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाता है. कंप्लेंट कर सकते हैं. तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं. देन उनके ऊपर प्रोसीडिंग्स होती हैं एंड ऑल दैट.
आज की डेट में थोड़ा बहुत तो स्ट्रिक्ट हो गया है, बट मैंने बहुत ज्यादा कोई एक्शन लेते हुए नहीं देखा किसी को भी. कभी कभी होता है, बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जो बोलते हैं हमसे पैसा ले लिया, काम नहीं किया, और हमारी फाइल्स जो है वो गायब कर दी, हमारी फाइल्स वापस नहीं दे रहे, तो ये सब प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंदर आ जाते हैं और बार काउंसिल के प्रेसिडेंट के पास जाते हैं और वहां पे चिट्ठी दे देते हैं एक, और फिर उसके बाद प्रॉपर आपसे भी जवाब मांगा जाता है और फिर आपको सुना भी जाता है वहां पे. उसके बाद दे कैन टेक वट एवर एक्शन दे वॉन्ट टू टेक, आपका लाइसेंस भी कैंसिल कर सकते हैं, कुछ पावर्स है फाइन वगैरह लगाने की भी वो भी कर सकते हैं. सो मिसकंडक्ट हो जाएगा अगर आपने कोई भी ऐसी चीज डिस्क्लोज करी है, एंड फॉर दैट द ड्यू एक्सरसाइज द ड्यू ऑपरेशन ऑफ वट एवर लॉ इज एप्लीकेबल वो आप मूव कर सकते हैं. ठीक है, देन कम्स डिस्क्लोजर एज टू कहां गया, ओके हाँ, सो दिस इज अ वेरी गुड केस एंड अ वेरी गुड एग्जाम्पल अगेन क्लैरिफाइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अस कि डिस्क्लोजर किस चीज का होना है. सो व्हाट हैपेंड इन दिस केस वाज देर वॉज अ लॉयर एंड ही वॉज इन सम सेटिंग जहां पे उसको एक बंदे ने कुछ आके बोला एंड फिर उसके बाद उसके साथ दूसरे बंदे ने भी आके कुछ बोला. ठीक है, और जो ये इंसान इसके सामने आया था और इससे बात करके गया, he was accompanied by two more people, so there were two more people who were accompanying the person. ठीक है, so what happened in this case was the question was कि कितना disclosure हो सकता है यहाँ पे. Just give me a second. Yeah, am I audible? Okay, sorry. So, अब यहां पे पॉइंट ये उठा कि यहाँ पे जो इंसान आया था और उसके साथ जो दो लोग और आए थे, यहाँ पे तीन फैक्ट्स बन रहे हैं. वन दैट दिस पर्सन केम, द सेकंड फैक्ट इज दैट टू मोर पीपल वर अकंपनीइंग हिम, एंड द थर्ड फैक्ट इज दैट ही मेड सम कम्युनिकेशंस टू द लॉयर. नाउ इसमें से किस चीज के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता लॉयर से, विच वन ऑफ दीज फैक्ट्स और विच टू और विच थ्री ऑफ दीज फैक्ट्स आर दोज दैट fall under privileged communication. क्या वो as a witness ये बता सकता है कि इसके साथ कौन आया था, क्या वो ये बता सकता है कि ये किस दिन आया था, और क्या वो ये बता सकता है कि उसने यहां आके लॉयर से क्या बात करी, या इन तीनों में से कुछ नहीं बता सकता, या इन तीनों में से सब कुछ बता सकता है. What is your answer? कुछ नहीं बता सकता. ओके, श्रद्धा से कुछ नहीं बता सकता. मोनिला, सर एक्चुअली आई डोंट रिकॉल द क्वेश्चंस, कैन यू प्लीज लाइक, या द क्वेश्चन इज देयर इज अ लॉयर, उससे उसका एक क्लाइंट मिलने आया है, उस क्लाइंट के साथ दो लोग और आए हैं. ठीक है, एंड उसने फिर आके यहाँ पे कुछ बातचीत करी एंड देन ही वेंट अवे. नाउ द क्वेश्चन इज कि यहाँ पे तीन फैक्ट्स हैं आपके सामने. फैक्ट नंबर वन इज दैट दिस पर्सन केम, द सेकंड फैक्ट इज दैट ही वाज अकंपनीड बाय टू मोर पीपल, एंड द थर्ड फैक्ट इज व्हाटएवर कम्युनिकेशन ही मेड टू द लॉयर. आउट ऑफ दीज थ्री फैक्ट्स व्हाट डू यू थिंक फॉल्स अंडर द प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन एज स्टेटेड बाय सेक्शन 126 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट. क्या इन तीनों चीजों के बारे में पूछा जा सकता है, या सिर्फ दो चीजों के बारे में पूछ सकते हैं, या तीनों चीजों के बारे में नहीं पूछ सकते? व्हाट इज योर आंसर? My answer is related with the client, means who is the actual client of the advocate. There's a privileged communication between that client and the advocate only. And it's not related with the other two persons, those who came along with the client. उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं. The question is only that, क्या lawyer ये बता सकता है court में कि उसके साथ ये दो लोग आए थे और ये आदमी इस so and so date पे आया था. क्या इस चीज के बारे में disclosure कर सकता है? Yes, I think so. He can say this thing. चलो, Manila has another point of view. ठीक है. सिर्फ एक चीज डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बाकी दो चीजें डिस्क्लोज कर सकता है. एनी अदर ओपिनियन दैट वी हैव अराउंड दिस?
chalo, in case we don't, the right answer is what Monila said. Monila nahi bola tha na ki sirf the communication cannot be disclosed. Right? Yeah, between the client and the advocate. But he can disclose that I met with the three persons, those who came in my cabin. What interaction has been done? That is the like privilege communication. Perfect. So the communication which was made with this person who was the client of the lawyer, जो कम्युनिकेशन हुआ है उसके बारे में वो कुछ नहीं बताएगा, बट इतना तो भाई उससे पूछ ही सकते हो कि ये किस डेट पे आपके पास आया था और उसके साथ कौन दो लोग आए थे, क्या कपड़े पहन के आया था, किस हालत में दिख रहा था आपको वो, इतनी चीज आप उससे पूछ सकते हो. सो द कम्युनिकेशन मेड इज द ओनली थिंग दैट इज प्रिविलेज्ड. और उस कम्युनिकेशन में तीन चीजें कौन कौन सी आती है वो हम पढ़ चुके हैं, विच मीन्स द लीगल एडवाइस गिवन, द कम्युनिकेशन मेड बिटवीन यू एंड हिम, एंड द कॉन्टेंट्स और द डॉक्यूमेंट्स वॉट एवर इज प्रिविलेज्ड or whatever is confidential, right? Is this clear for everybody? Yes, sir. Cool. ठीक है. Now let's go ahead. अब हमारा 126 तो खत्म हो गया. क्या कोई ऐसा है जिसको कोई confusion है 126 में अभी भी? हमने almost क्या? हमने सारे ही points cover कर लिए. इसमें जो जो points important हो सकते थे, वो हमने cover कर लिए. Sir, a quick revision, sir. Sorry? A quick revision on the same. A quick revision. Quick revision, sir. अच्छा, ठीक है. So 126 में basically हमने क्या पढ़ा है? अब एक बार Bayer Act के साथ चलते हैं, तो हमें बिल्कुल सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा. ठीक है, धीरे धीरे पढ़ेंगे. सब लोग मेरे साथ साथ पढ़ते रहो. So professional communication section 126. No barrister, pleader, वकील और attorney shall at any time. Clear है? Any time, कभी भी नहीं कर सकते. Be permitted. Right, he will not be permitted. सिर्फ compulsion नहीं है, it's also कि आप permission नहीं दे सकते. Shall be permitted unless with the client's express consent. इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं. Express होना चाहिए या implied होना चाहिए. To disclose any communication made to him in the course and for purpose of the employment. In the course and for the purpose of employment पे भी हम बातचीत कर चुके हैं. As such barrister, pleader, attorney or वकील by or on behalf of his client. इसपे भी हम बात कर चुके हैं. By or on behalf पे भी. Or to state the contents or conditions of the document. This is the second part. इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं. विद विच ही हैज बिकम एक्वेंटेड इन द कोर्स एंड फॉर द पर्पस ऑफ हिज प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट और टू डिस्क्लोज एनी एडवाइस गिवन बाय हिम. दिस इज द थर्ड कंपोनेंट. इस पे भी हम बात कर चुके हैं. टू हिज क्लाइंट इन द कोर्स एंड फॉर द पर्पस ऑफ सच एम्प्लॉयमेंट. जो उसने क्लाइंट को कम्युनिकेट किया है, एडवाइस दिया है, डॉक्यूमेंट नोट किया है, वो सारी चीजें जब एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे हो रही है उसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, ना ही उसको परमिट किया जा सकता. ठीक है. Provided that nothing in this section shall protect from disclosure. अब इन दो चीजों की भी हमने बात करी कि किस चीज में आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी. Any such communication made in furtherance of an illegal purpose. If you are making a communication जिसका मतलब, जिसके पीछे का जो इंटेंशन है वो ये है कि आप एक नया क्राइम कर सको, तो उस चीज के लिए आप ये नहीं कह सकते कि मेरे क्लाइंट से आप ये नहीं पूछ सकते बिकॉज इट इज privileged. वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, वो शुरू से ही गलत चीज है, इट्स इलीगल. तो उसके बारे में उसे बुलाया जा सकता है और उसको कंपेल भी किया जा सकता है और उससे एज अ विटनेस पूछा भी जा सकता है कि क्या हुआ था तुम्हारे बीच में या क्या बात हुई थी. ठीक है. एंड द सेकंड थिंग, एनी फैक्ट ऑब्जर्व्ड बाय बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी और वकील. अब ऑब्जर्वेशन पे आ गया. ऑब्जर्वेशन की भी हमने बात कर ली. खुद ऑब्जर्व किया है उसने, कम्युनिकेशन जरूरी नहीं है. एनी फैक्ट ऑब्जर्व्ड बाय बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी और वकील इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट एज सच शोइंग दैट एनी क्राइम और फ्रॉड हैज बीन कमिटेड सिंस द कमेंसमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट कमेंस होने के बाद उसने कुछ और नया काम कर दिया, तो उसके ऊपर भी ऐसा कोई प्रिविलेज आपके पास नहीं है कि आपको डिस्क्लोजर से प्रोटेक्शन मिलेगी. ठीक है. और लास्ट में क्या बोलता है, इट इज इमटेरियल वेदर द अटेंशन ऑफ सच बैरिस्टर, प्लीडर, वकील और अटॉर्नी वाज और वाज नॉट डायरेक्टेड टू सच फैक्ट बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट. ये भी हमने डिस्क्लोज ने डिस्कस कर लिया कि इट डज नॉट हैव टू बी समथिंग दैट द क्लाइंट हैज ओरली और इन राइटिंग कम्युनिकेटेड टू यू. जब आप ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हो तो आपने चलते फिरते आपको खुद भी पता चल सकता है कि इसने कोई नया फ्रॉड किया है, उसके बारे में आपसे एज अ विटनेस बातचीत करी जा सकती है. एंड एक्सप्लेनेशन सेज द ऑब्लिगेशन स्टेटेड इन द सेक्शन कंटिन्यूज इवन आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट हैज सीज्ड. ये भी हमने डिस्कस कर लिया. एम्प्लॉयमेंट सीज होने के बाद भी, और टर्मिनेशन हम किस चीज को कहते हैं, हमने देखा लिटिगेशन की टर्मिनेशन भी पूरी तरह से टर्मिनेशन नहीं है और पार्टी का मर जाना भी पूरी तरह से टर्मिनेशन नहीं है. ठीक है. सो अब क्लियर है. अभी पूरे सेक्शन का हमने एक एक वर्ड देख लिया है. देयर इज नो वर्ड दैट वी हैव लेफ्ट. ठीक है. आई थिंक 126 यहां पे क्लियर हो जाना चाहिए. अभी भी किसी का क्वेश्चन है तो यू कैन कम अप विद द क्वेश्चन.
Chalo, let's go ahead then. Now, the next one is, Monila, anything? Sir, can you just explain me one thing related with RTI and 126? Haan. So, RTI or 126 ka jo game tha, wo pura ye tha, ki RTI ek special act hai. ठीक है और उसका ऑब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन निकलवाना लोगों से राइट टू इंफॉर्मेशन है ना आपके पास यू हैव अ राइट टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट सर्टेन थिंग्स आरटीआई एक्ट आपको राइट देता है कि आप एक एप्लीकेशन लगाओ टू द कंसर्न अथॉरिटी एंड दैट कंसर्न अथॉरिटी विल सेंड अ नोटिस टू द पर्सन एंड आस्क द पर्सन कि लाओ भाई अपनी डिटेल्स बताओ या जो भी इंफॉर्मेशन आप सीख कर रहे हो वो बताओ ठीक है फॉर एग्जाम्पल किसी अगर गवर्नमेंट सर्वेंट की सैलरी वगैरह जाननी होती है तो कभी कभी ये चीज यूज हो जाती है कि आरटीआई लगाई एंड you the authority will send a summon and that that authority will send a summon to the whatever authority the person is working with and they will disclose ki iski salary kya hai theek hai although kuch conditions hoti hain wo aage deep baatein hain ki kab kar sakte ho aur kab nahi kar sakte so RTI basically is a statute which helps you fetch information which normally the person would not give you so ye ek special statute hai theek hai plus ye aaya hai evidence act ke baad evidence act kab aaya hai aapka 1872 mein और ये कब आया आई थिंक 2005 में ठीक है नाउ क्वेश्चन दैट अराइजेस इज कि जो 1872 की एक्ट जो कि एक जनरल एक्ट है उसका सेक्शन 126 एक प्रिविलेज लगा देता है उस एक क्लाइंट के लॉयर के ऊपर कि आप अपने क्लाइंट से की हुई कोई भी कम्युनिकेशन डिस्क्लोज नहीं करोगे ऐसा एक प्रिविलेज लगा दिया जबकि इसके अगेंस्ट आरटीआई एक स्पेशल स्टैट्यूट है जो आपको कंपेल करता है कि इंफॉर्मेशन आप दो अब अगर किसी सिचुएशन में आरटीआई को यूज करते हुए कोई ऐसा डिस्क्लोजर मांग ले किसी लॉयर से चाहे वो गवर्नमेंट का लॉयर हो या कहीं का भी लॉयर हो ठीक है से सपोज कि आप आरटीआई यूज करते हुए इस प्रिविलेज को ब्रीच करना चाहते हो भेदना चाहते हो बाईपास करना चाहते हो क्वेश्चन है कि आरटीआई विल विन आरटीआई एक्ट बीइंग अ स्पेशल एक्ट विल विन और एविडेंस एक्ट विल विन इन दोनों में से कौन जीतेगा व्हाट विल प्रिवेल सो उसका आंसर ये है कि इवन दो The normal rule is that a special statute always prevails over a general statute. That is the normal general rule. But in this situation, two things are very important to note. The first thing is that RTI is a special statute, but the provisions given in it and the result or the effect of those provisions is general. And Evidence Act, though it is a general statute, the privilege and the bar under Section 126 is a special one. तो पहली चीज तो ये कि यहाँ पे प्रोविजन जनरल है और यहाँ पे प्रोविजन स्पेशल है दैट इज व्हाई इट प्रिवेल्स एंड सेकेंडली द लॉ बार्स यू फ्रॉम बाईपासिंग वन लॉ बाय अनदर लॉ ठीक है तो लॉ ये बार करता है कि आप गलत तरह से कंस्ट्रक्शन करें लॉज की और एक लॉ को यूज करके दूसरे लॉ का एक वीक पॉइंट या एक झोल बोलते हैं ना ढील दे रखिए जहां पे उसको आप यूज कर लें दैट बाईपासिंग इज नॉट अलाउड दैट इज व्हाई Yeah. जो आपके हाँ तो आपके सामने जो ये केस आया जो मैंने बात करी दो केसेस की बात करी थी माया मैथ्यू वर्सेस केरला एंड देयर वाज अनदर केस दैट वी वर टॉकिंग अबाउट आई थिंक आयशा वर्सेस पीर खान उसमें ये बोला गया कि आरटीआई को यूज करके आप इस प्रिविलेज को ब्रीच नहीं कर सकते और बाईपास नहीं कर सकते प्रिविलेज बना रहेगा लॉयर डिस्क्लोज नहीं कर सकता इज दैट राइट राइट सर ग्रेट चलो लेट्स गो अहेड नाउ कम्स द नेक्स्ट सेक्शन जिसका नाम है सेक्शन 127 कुछ नहीं कहता 126 एक बोलता है कि लॉयर्स के ऊपर लगता है प्रिविलेज और 127 कह देता है कि 126 का जो प्रिविलेज है का जो बार और प्रिविलेज दोनों है वो प्रिविलेज और बार इंटरप्रेटर्स पे भी लगेगा क्लर्क्स पे भी लगेगा और सर्वेंट्स पे भी लगेगा तो जो एक वकील है ऑब्वियसली वो अकेला काम नहीं करता आसपास क्लर्क्स भी होते हैं उसके जूनियर्स भी होते हैं कुछ जगहों पे बड़े ऑफिसेज में इंटरप्रेटर्स भी बिठा के रखते हैं जो बाहर का काम भी करते हैं इंटरनेशनल काम करते हैं या यू नो साउथ के लॉयर्स जो नॉर्थ का काम कर रहे हैं नॉर्थ के लॉयर्स जो साउथ का काम कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग इट फ्रीक्वेंटली दे नीड इंटरप्रेटर्स इन देयर ऑफिस सो वो अपने पास रखते हैं इंटरप्रेटर्स ठीक है नाउ दीज इंटरप्रेटर्स क्लर्क्स एंड सर्वेंट्स दे आर गेटिंग टू नो अ लॉट डे इन एंड डे आउट बिकॉज द क्लाइंट्स आर कमिंग अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही आप शट डाउन कर दो कम्युनिकेशन किसी को कुछ पता ना चले बुलेट प्रूफ और वॉइस प्रूफ और साउंड प्रूफ सब कुछ लगा दिया है आपने और एक छोटे से कमरे में बैठे हैं जहाँ पे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा आपके बारे में राइट तो और वो ऊपर से इंटरप्रिटेशन भी कर रहे हैं आपकी फाइलें भी इधर से उधर लेके जा रहे हैं आपके लिए कभी कभी छोटे मोटी डेट्स पे भी जा रहे हैं तो दे कम टू नो अ लॉट दैट इज व्हाई इट वाज पर्टिनेंट कि 126 का जो एक्सटेंशन है वो इन लोगों के ऊपर भी किया जाए बिकॉज दे आर जस्ट लाइक ऑर्गन्स ऑफ वन बॉडी लॉयर एंड हिज क्लर्क्स एंड अदर पीपल
तो इसलिए 126 को 127 इन लोगों के ऊपर भी अप्लाई कर देता है कि बेटा वो भी औकात में रहे और आप भी औकात में रहे और अपने डिस्क्लोजर को और अपने प्रिविलेज को फॉलो करें, डिस्क्लोजर को नहीं बार को और अपने प्रिविलेज को प्रॉपरली फॉलो करें, ठीक है। ऐसा ही क्या किसी को कुछ याद आता है कि सीआरपीसी में भी ऐसा कोई सेक्शन है जिसमें इंटरप्रेटर्स के ऊपर एक बार सा लगाया गया है या एक ड्यूटी बांधी गई है उनके ऊपर? आई कुड रीड चारूज लिप्स, उसने बोला शायद कि हाँ है तो सही बट पता नहीं कहाँ पे है ना। यही प्रॉब्लम है, हमें पता होता है कि कुछ तो है बट कहाँ है ये नहीं पता होता। चलो सो द सेक्शन इज 282, एक बार फटाफट से कोई 282 पर पहुंचे सीआरपीसी में और अपना माइक चालू करके बताएं 282 क्या कहता है। 282 सो 282 इज इंटरप्रेटर टू बी बाउंड टू इंटरप्ट ट्रुथफुली when the services of an interpreter are required by any criminal court for the interpretation of any evidence or statement, he shall be bound to state the true interpretation of such evidence or statements. बिल्कुल सही। So हमने ज्ञान सर के courses हम सबने करे हैं, उन्होंने बहुत प्यारा एक example दिया था जो उनके साथ ही हुआ था, that जो वो अपनी party से depose करवा रहे थे, that was not what was being written by the person who was supposed to write the statements. तो जज साहब के साथ में बैठे होते हैं जो उनके हेल्पर्स होते हैं, वो बैठ के हमारी क्रॉस एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन जो भी चल रही होती है वो सारी चीजें लिखते हैं साइड में। हम सब लोगों ने देखा है, हम सब लोगों ने करा भी है। आजकल तो वो कंप्यूटर पे होता है, दो स्क्रीन होती हैं बढ़िया सी, एक स्क्रीन यहाँ होती है एक स्क्रीन वहां होती है, ठीक है, सबको दिखाई दे रहा होता है अच्छे से। डीजे साहब की कोर्ट में तो एप्पल के कंप्यूटर लगा दिए आजकल। सो आज की डेट में तो ये नॉट वेरी पॉसिबल कि कोई घपला हो सके, बट पहले के टाइम पे ज्ञान सर वाले टाइम पे 20-25 साल आज से पहले वो सब रिटन में होता था। अब यहां से लड़का बोल कुछ रहा है, वो अपनी जो भी बयान देने आया है वो बोलता कुछ है और वहां पे वो लिख कुछ और रहा है, क्यों? क्योंकि सेटिंग हो रखी है, ठीक है। तो 282 जो है वो बस इनके ऊपर ये लगाता है कि ये जो रिकॉर्डिंग वगैरह होनी है एविडेंस की कोर्ट के अंदर या फिर कोई इंटरप्रिटेशन होनी है, ट्रांसलेशन होनी है, इसको आप लोग ट्रुथफुली करोगे, राइट? और ट्रुथफुली नहीं करते तो आईपीसी के अंदर ऑफेंसेस हैं अगर आप गलत तरह से करते हो। तो आज अभी भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में वो रिटन मतलब देते हैं, उन्होंने हाँ। बहुत बढ़िया काम किया, जो बंदा जवाब दे रहा था तो वो अगर बोले कि मैं इस समय मुझे नहीं याद है या कुछ, तो वो सीधे उसमें कुछ वर्ड्स काट करके और सीधे लिख दिए था उन्होंने कि उसको याद ही नहीं है, समथिंग लाइक दैट। उसके बाद बहुत बवाल हुआ वहाँ पे। होता है, कई बार हो जाता है, दे डू दीस काइंड ऑफ थिंग्स, तो एक आधा अद्धा पौवा मिल गया आज का और बढ़िया काम हो जाता है ना, तो ये कई बार हो जाता है। So, 282 basically जो हम बात कर रहे थे, 282 ये वही section है जहाँ पे हम देखते हैं 272 में language के बारे में बात होती है court की, 273 में it is that the person has to be present जब evidence हो रही होती है, 274, 275, 276, 277 यहाँ पे recording होती है किस तरह से courts record करेंगे, और उसी की range में 282 भी आता है जहाँ पे magistrate के ऊपर क्या duty है recording की, and then that extends to the interpreters as well because you are a part of the court and you have to truthfully interpret, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो लोगों का नुकसान हो सकता है, the administration of justice is jeopardized and it is उसके अंदर उलंघन होता है उसका, ठीक है। So 282 इस चीज की बात करता है। तो ये हुआ हमारा 127, इसमें तो मेरे ख्याल किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, कोई खास चीज है ही नहीं इसके अंदर, है ना। एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास कोई पॉइंटर है डिस्कस करने के लिए इसमें अलग से, नहीं 127 पे कुछ नहीं, ठीक है। Now let's come to 129, 128 हम बाद में करेंगे, ठीक है। 129 पे आ जाते हैं। 129 says confidential communication with legal advisor. एक बार इसकी लैंग्वेज पढ़ते हैं, हमें ऊपर ऊपर से इसके और 126 के बीच में डिफरेंस समझ आ जाएगा। 129 says no one, सबसे पहले तो इसी के ऊपर गोला मार दो, बिकॉज 126 ने क्या बोला था, नो बैरिस्टर अटॉर्नी प्लीडर और वकील, वो बार था उन चार लोगों के ऊपर, उन लीगल प्रोफेशनल्स के ऊपर, और ये वाला बार किसके ऊपर है, सबके ऊपर, नो वन, दैट मींस इट इंक्लूड्स द क्लाइंट एज वेल एंड इट इंक्लूड्स द वकील एज वेल, ठीक है। सो इट सेज नो वन शैल बी कंपेल्ड to disclose, अब यहाँ पे compelled हो रहा है, permitted की बात नहीं हो रही है, ठीक है। So no one shall be compelled का मतलब क्या हुआ, आप किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करोगे, मगर अगर ये इंसान खुद आके बोलना चाहे तो there is nothing that tells you कि आप permit भी नहीं करोगे, पीछे लिखा था ना permit भी नहीं करोगे, उसका मतलब क्या था, ना तो आप जोर जबरदस्ती करके किसी से बुलवा सकते हो और ना ही कोई अगर आपके पास आ रहा है तो उसे बोलने की इजाजत दे सकते हो, दोनों ही चीजों में बाहर था। यहाँ पे क्या है, no one shall be compelled, only no one shall be compelled to disclose to the court any confidential communication which has taken place between him and his legal professional advisor. माने ये जो him है, this person is the subject here. माने the client.
द क्लाइंट इज द सब्जेक्ट हियर, और उसके और उसके उसके प्रोफेशनल एडवाइजर के बीच में जो कम्युनिकेशन हुई है, ही कैन नॉट बी कंपेल्ड, ओनली कंपेल्ड, इस चीज का ध्यान रखना। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक नो वन का रिलेशन किससे है, और दूसरी चीज ही कैन नॉट बी कंपेल्ड। परमिटेड यहां नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है कि अगर वो खुद आना चाहे तो अपने आप आके वो स्वेच्छा से कम्युनिकेशन डिस्क्लोज कर सकता है। फिर आप कोई नहीं उसको डांटने वाले कि भाई तू अपने हित में काम कर या ना कर, या तुझे परमिशन है या नहीं है यहाँ पे कुछ बोलने की। बंदा अपना नुकसान करना चाहे तो मर्जी से करे, ठीक है। सो नो वन शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज टू द कोर्ट एनी कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन। अगेन द वर्ड कॉन्फिडेंशियल, वी हैव ऑलरेडी लर्न कि इसका इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट क्या है, विच हैज टेकन प्लेस बिटवीन हिम एंड हिज लीगल प्रोफेशनल एडवाइजर अनलेस ही ऑफर्स हिमसेल्फ एज अ विटनेस। बोल दिया यहाँ पे गेट, unless he offers himself as a witness, apne aap aana chahe to aa sakta hai, in which case he may be compelled to disclose any communication as may appear to the court necessary to be known in order to explain any evidence which he has given but no others। jitna communication wo chahta hai main disclose karu utna karega, aap usse zyada kuch bhi disclose nahi karoge, na usko aap compel karoge disclose karne ke liye, theek hai। so this is 129। ye in cheezon mein na confusion hogi hi hogi, abhi aapko lag raha hoga, shayad abhi baithe baithe lag raha hoga ki ha samajh aa gaya। इसको एक बार फिर से रीड करोगे ना, आपको कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई पॉइंट ऐसा मिल जाएगा जहां पे आपको लगेगा अरे ये तो समझ ही नहीं आया, क्योंकि इनमें कंफ्यूजन होती ही होती है। जब तक आपने चार पांच बार कमेंट्री नहीं पढ़ ली और चार पांच बार इसको ध्यान लगा के नहीं पढ़ लिया, लिख नहीं लिया, तब तक इसमें प्रॉब्लम आती रहती है। बट स्टिल लेट्स ट्राई टू कवर व्हाटएवर वी कैन, ठीक है। तो अभी हमने इसमें क्या क्या बात करी, एक बार प्रोविजन को तोड़ के देखते हैं। हमने पहली बात करी नो कंपल्शन, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, आप कंपेल नहीं करोगे, ठीक है। एंड सेकेंड कॉम्पोनेंट इज नो वन, नो कंपल्शन ऑन नो वन, कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड द लीगल एडवाइजर, इस चीज के ऊपर ही अप्लाई करता है, ठीक है। एंड एक्सेप्शन क्या है, अनलेस द अरे लीगल एडवाइजर नहीं, अनलेस द पर्सन ऑफर्स हिमसेल्फ एज अ विटनेस, अनलेस सच पर्सन हिमसेल्फ सेज कि हाँ भाई मैं विटनेस बनने आता हूं, मैं खुद अपने बारे में बताऊं, क्योंकि वकील का क्या लेना देना, वकील थोड़ी है पार्टी, उसको तो कोई नुकसान नहीं है ना आके कुछ बोल देने से, बल्कि वो तो किसी का फायदा जरूर उठा सकता है, क्लाइंट का नुकसान अलग से करा सकता है। तो उसके ऊपर हम लोगों को जरूरी होता है कि ये बार लगाया जाए कि हम उसे परमिट भी नहीं करेंगे कुछ डिस्क्लोज करने के लिए। मगर जब बंदा अपना खुद का नुकसान करना चाहता है या अपने खुद के बारे में कुछ कहना चाहता है, तो भाई अपने हित और अहित हर बंदा अपना खुद जानता है, उसमें आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप कंपेल नहीं करोगे, बेशक इतना आपके ऊपर बार है, मगर उससे ज्यादा आपके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं है कि आप परमिट भी नहीं करोगे कि ओए अपने बारे में मत बता कुछ गलत, नहीं यहाँ तो ये नुकसान हो जाएगा, है ना। तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है, अनलेस ही इज ऑफर्ड एज अ विटनेस, एंड यू कैन कंपेल हिम ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ एविडेंस, जितने एविडेंस के लिए वो अपने आप को विटनेस बना के लाया है, सिर्फ उतने के लिए कंपेल कर पाओगे। उतनी चीज के लिए आप बोल पाओगे कि भाई अब तूने जब खुद बोला है कि मैं इस चीज के लिए विटनेस बनूंगा, तो अब तू बता, नाउ यू हैव टू टेल, तब आप उसको कंपेल कर सकते हो, ठीक है। सो अब इसके ऊपर देखते हैं इफ देयर आर एनी पॉइंट्स दैट वी हैव टू कवर। फर्स्ट ऑफ ऑल, हूज प्रिविलेज इज दिस, इट इज द पार्टी, हम 129 की बात कर रहे हैं। हाँ, सो थिंग्स दैट अ लॉयर केम टू नो एज अ ऑर्डिनरी मैन, दैट्स अनदर थिंग। हम्म, 129, राइट। सो नाउ द क्वेश्चन इज इफ देयर इज समथिंग, this actually should be a question on 127, that 126, that's why I'm getting confused। so agar kisi lawyer ko ordinary capacity mein kuch pata chala hai, if there is something that a lawyer has come to know in the ordinary capacity, will that be privileged, ya fir sirf utna hi privilege milega, un cheezon ke liye hi privilege milega jo cheeze professional communication ya professional capacity mein usne jani hai। let me break it out, kyunki hum kafi abhi time ho chuka hai। so ओनली द थिंग जो उसने एज अ प्रोफेशनल उसके क्लाइंट ने उसे बताई है, उसके ऊपर बार लगता है। द बार इज नॉट सपोज टू वर्क ऑन एनीथिंग दैट ही हैज कम टू नो बाय हिमसेल्फ एज एन ऑर्डिनरी पर्सन, एज अ पर्सन हु वाज नॉट एक्टिंग एज हिज लॉयर, ठीक है। तो अगर उसको कुछ चीजें पहले से ही पता थी, कहीं और से पता चली थी जो क्लाइंट ने उसको बाद में आके बताई है, मे बी उसका नेबर ही था, मे बी उसको मारते वारते देखा था इसने, उन चीजों के बारे में वो एज अ विटनेस आ सकता, क्योंकि वो उसने एज ऑर्डिनरी मैन देखी है, ही डिड नॉट सी इट एज अ लॉयर व्हेन ही वाज हिज लॉयर, ओके। सो ऑर्डिनरी कैपेसिटी में यू कैन कम, मगर लीगल प्रोफेशनल कैपेसिटी में यू कैन नॉट शेयर द थिंग्स दैट यू हैव कम टू नो।
नाउ अनदर थिंग इज, जब आपने वेवर किया एक चीज का, एक क्लाइंट खुद जब एक वेवर करता है कि इतनी चीज मैं बता सकते हैं, कोई बात नहीं है ना, तो द रूल इज, द रूल ऑफ एविडेंस इज कि जब भी कोई स्टेटमेंट पढ़ी जाएगी ना, वो एज अ होल पढ़ी जाएगी. आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसका इतना पार्ट आप रीड कर लो, इतना पार्ट आप कंसिडर कर लो एंड बाकी का पार्ट आप अलग छोड़ दो. नहीं, दैट विल नॉट हैपन. सो इफ यू हैव मेड अ डिस्क्लोजर एज टू एनीथिंग, देन द होल ऑफ द स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट यू और फॉर यू और व्हाटएवर. ऐसा नहीं होगा कि आधी स्टेटमेंट यूज कर ली जाए जो आपके काम की, सो मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, दैट इज नॉट अलाउड. ओके, नाउ कम्स, ये सारे 127 के ही, 126 के ही पार्ट है, ठीक है. सॉलिसिटर ऑब्टेनिंग द कॉपीज ऑफ मेडिकल रिपोर्ट. नाउ क्वेश्चन ये उठा कि एक सॉलिसिटर है, एक लॉयर है, जिसने एक एक्सीडेंट के केस में ही हेल्प द पर्सन गेट द मेडिकल रिपोर्ट्स फ्रॉम द हॉस्पिटल. मेडिकल रिपोर्ट्स, विल दिस बी कवर्ड अंडर द प्रिविलेज ऑफ सेक्शन 126? क्या लॉयर को कहा जा सकता है कि आप ये मेडिकल रिपोर्ट्स लेके आओ और दिखाओ हमारे सामने? नो. ओके, श्रद्धा सेज नो. डज दिस बिकम लीगल कम्युनिकेशन और लीगल एडवाइस? नहीं, नो, नो सर. चल ठीक है, राइट. दिस कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड बिकॉज कोर्ट ने क्या इसके पीछे रीजन दिया, द रीजन वाज कि ये मेडिकल रिपोर्ट्स जो निकलवाई है ना लॉयर ने, दिस ही हैज डन थ्रू अ प्रॉपर एप्लीकेशन, ठीक है, एंड दिस इज अ रिजल्ट ऑफ द लीगल एक्सपर्टीज दैट ही हैज. दैट इज व्हाई एनी सच थिंग, एनी सच डॉक्यूमेंट और एनी सच कम्युनिकेशन कैन नॉट बी disclosed and the privilege will work on it. ठीक है, next question is a consultant's advice also covered under 126? So we are not talking about the LLB wala person per se. Here we are talking about a consultant. He may be a consultant who is helping you with your case in other aspects. अलग अलग aspects में help कर रहा है वो आपकी. Is that covered? What are your answers? Any answer, anybody? Was I off video? मेरी आवाज आ रही थी आप लोगों को? Yes, sir. अच्छा, चलो. So what I was asking is कि यहाँ पे consultant की बात हो रही है. Will that be covered? Consultant. नहीं cover होगा? नहीं होगा. Okay. So the answer is गलत. आप लोगों का answer is गलत. The answer is cover होगा अगर वो आपके केस से related बात कर रहा है. Legal advice दे रहा है तो. हाँ, तो आपके आपके अगर case के सिलसिले में कोई consultancy है. उसमें जो section में लिखा है legal professional advisor तो ही करेगा. हाँ, और उसमें ये चीज देखो ना, यहाँ पे देखो, it says for the purpose, कहाँ गया? 126. For the purpose of professional employment, हाँ, है ना? So अगर केस के सिलसिले में कोई कंसल्टेंसी हुई है, that again will get the privilege. आपका क्वेश्चन जनरल था, only हम कंसल्टेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो मैंने यही पूछा कि अगर वो आपको केस के सिलसिले में बातचीत करने आया है, तो उस पर प्रिविलेज लगेगा, यानी उस पर लग जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट वन इज, अगर प्रिविलेज डॉक्यूमेंट जो है, जो नहीं डिस्क्लोज होना चाहिए, जो वकील ने बनाया था, अगर वो किसी थर्ड पर्सन के हाथ में लग गया, तो क्या ये प्रिविलेज उस थर्ड पर्सन के ऊपर भी लग जाएगा? क्या उस थर्ड पर्सन को रोका जा सकता है इसको डिस्क्लोज करने से? बिकॉज दिस इज अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स योर कम्युनिकेशन विद योर लीगल एडवाइजर, कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन, और ये किसी गलत थर्ड आदमी के हाथ में लग गया है. नाउ कैन ही बी यू नो बार्ड? नो सर, वी कैन नॉट स्टॉप द थर्ड पर्सन टू डिस्क्लोज एनी इंफॉर्मेशन. ओके, एनीबॉडी एल्स? आई थिंक सो, बिकॉज़ लाइक थर्ड पर्सन, if he is the employee of the consultant or the legal advisor, then he should not disclose the things. Third person is a complete stranger. What about that situation?
So in that case, stranger can do anything. We don't have control on the people like to whom we don't know. Chalo, we cannot stop them. Yeah. ठीक है got it got your point. इसका answer yes भी है और no भी है. ठीक है. Answer yes क्यों है? कि अब मैंने आपसे पूछा कि third person जो है उसके ऊपर privilege लगेगा या नहीं, उसको रोका जा सकता है या नहीं. पहली चीज का आंसर तो है ना, इसके ऊपर प्रिविलेज नहीं लगेगा. ऑब्वियसली थर्ड पर्सन क्यों मानेगा भाई? थर्ड पर्सन जैसे हमने 122 में भी देखा था, अगर मियां बीवी के बीच में कोई कम्युनिकेशन किसी ने सुन ली है गलती से, या कहीं खड़े होकर दीवार के आसपास खड़े होकर सुन लिया है, तो उसके ऊपर तो कोई बार नहीं है. वो प्रोफेशनल जो कम्युनिकेशन है मियां बीवी के बीच में, तो वो बार सिर्फ उन्हीं के ऊपर है. वो दोनों नहीं आएंगे कोर्ट में, दूसरे थर्ड पर्सन के ऊपर नहीं है. ठीक है. सो पहला क्वेश्चन कि क्या इसके ऊपर प्रिविलेज लग जाएगा, क्या इसके ऊपर बार लग जाएगा, उसका आंसर है नो. मगर क्या आप इसको रोक सकते हो? इसका आंसर है यस. अब डिपेंड करता है कि इसको रोकना कैसे. उसके लिए मैं आपको कुछ रीड करके सुना रहा हूं. ठीक है. सो ये केस है, द केस इज, बहुत सारे केस हैं, सुन लो सारे. सो इट सेज इट हैज बीन हेल्ड इन एन अर्ली केस दैट वंस अ डॉक्यूमेंट सब्जेक्ट टू लीगल प्रिविलेज हैज फॉलन इनटू द हैंड्स ऑफ अ थर्ड पर्सन, द प्रिविलेज नो लॉन्गर अटैचेस टू इट एंड इट मे बी अड्यूस्ड इन एविडेंस. A conflicting rule had been laid down in Lord Ashburton versus Pape to the effect that a client whose privileged document falls into the hands of a stranger may obtain an injunction for the return of the document and restrain the stranger from their use in any legal proceeding. So this is what you can do. You can actually go to the court and tell them ki iske paas galat tarah se mere haath mere document mere confidential document iske haath mein lag gaye hain. आप इसके ऊपर इंजंक्शन लगाएं एंड रिस्ट्रेन हिम फ्रॉम यूजिंग द डॉक्यूमेंट्स इन एनी लीगल प्रोसीडिंग. इफ यू डू दैट इन टाइम एंड इफ यू डू इट प्रॉपर्ली, तो आप बच जाएंगे, आपका ये कम्युनिकेशन नहीं आएगा, उसको एड्यूस नहीं किया जाएगा एविडेंस में. बट अगर आपने ऐसा नहीं किया, देन थर्ड पर्सन के ऊपर ऐसा कोई प्रिविलेज नहीं, ऐसा कोई बार नहीं लगता. राइट. आगे क्या बोलता है? इन द सब्सिक्वेंट केस ऑफ गोडार्ड वर्सेस नेशन वाइड बिल्डिंग सोसाइटी, बोथ दीज डिसीजंस वर डिस्क्राइब्ड एज राइट. Norse J, Justice Norse explained that the crucial point is that the party who desires the protection must seek it before the other party has adduced the confidential communication in evidence or otherwise relied on it in the trial. Uske court mein adduce karne se pehle aapko apni protection ka intezam karna hai. That is how things will work in such a situation. Otherwise, third person ke upar koi automatic bar nahi lagta. The court observed that although it had the jurisdiction to restrain the breach of confidence by injunction, but the court would do so only in the exercise of its discretion. Court ki apni discretion hai. Court ko lagta hai hum injunction lagaye to lagayegi, aur nahi lagta to nahi lagayegi. There being no automatic right of injunction. Aapke paas koi absolute right nahi hai. Aapko apne documents ka khyal rakhna chahiye tha. Theek hai? Is this clear to everybody? Next question is, what do we call a compulsion? Compulsion hoti kaise hai? Ye pehle bhi humne discuss kiya hai. Compulsion hai kya? Compulsion ka matlab kya hai? Agar main kehta hu maine kisi witness ko answer dene ke liye compel kiya, to kab kaha jayega ki maine compel kiya? Maine uske kaan kheeche ya maine use daba ke koniya mari peet pe? Undue pressure. Theek hai sir, undue pressure to theek hai, but us pressure ko kaha kab jayega ki wo ek pressure hai? दूसरी बार पूछ लेते हो कि सर आपको आंसर तो देना ही पड़ेगा, ये क्वेश्चन कोर्ट ने पूछा है, एंड यू कैन नॉट गो होम विदाउट टेलिंग इट, दैट इज व्हेन यू कंपेल हिम. ठीक है. सो आपने उसको अगर सिर्फ ओथ, आपने उसको ओथ स्वीयर करवाई है, दैट इन इटसेल्फ डज नॉट बिकम द काइंड ऑफ कंपल्शन दैट इज बीइंग यूज्ड हियर. कंपल्शन तब होगी जब उसको आप कह रहे हो कि नहीं, आपको तो जाने नहीं देंगे, आपको तो क्रॉस एग्जामिन करेंगे हम यहीं पे. एक बार उसने रिफ्यूज कर दिया एंड यू आस्क हिम अगेन, दैट बिकम्स कंपल्शन एंड दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपेल्ड बीइंग यूज्ड इन सेक्शन 126 से लेके 129 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट. बाकी भी सेक्शन में, अलग अलग सेक्शन में जहां पर भी कंपेल्ड लिखा है, कंपेल्ड का मतलब इट्स नॉट अ फिजिकल कंपल्शन, इट इज अ कंपल्शन दैट यू कैन डू बाय asking the person again or telling the person that you have to answer it. Zaruri nahi hai ki usko mukke marne hai, gaali deni hai, koni marni hai, ya jo bhi karna hai na. Na police walon ki zarurat hai, na kisi aur cheez ki zarurat hai. As soon as you ask him again, that becomes compulsion. Let's go to the next one. Ha, ye hum discuss kar chuke hain. Agar aapne koi cheez solicitor ko bheji hai, confidential form mein bheji hai, it is for solicitor's use or your advocate's use,
then it is a situation of a confidential communication or confidential communication के ऊपर बाहर लगता है, ठीक है? और ये एक आखिरी था जिसमें मैंने बस नोट कर लिया था समथिंग दैट यू जस्ट हैव टू नो कि ये जो इंटरप्रिटेशन है कि कब कम्युनिकेशन माना जाएगा कि वो सॉलिसिटर के लिए ही है या वो यू नो इट इज अ कॉन्फिडेंशियल पीस ऑफ डॉक्यूमेंट और कम्युनिकेशन और नॉट, उसमें आप इंटरप्रिटेशन वाइड रखेंगे, यू विल नॉट मेक इट अ स्ट्रिक्ट और रिजिड और नैरो इंटरप्रिटेशन. Most of the time, you will say, yes, this is a privileged communication. Isko aap court mein mat lao. Which means that court ke upar ye ek zimmedari hai ki you have to be very, very attentive and very, very observant and very, very particular about not harming this one right or this one privilege of the party because it is an important one. So you have to have a wide sense of interpretation when you are talking about documents or trying to categorize documents into confidential documents or not confidential documents. ठीक है, सो दिस वॉज 129. अब हमारे पास है 128. इस पे हम खत्म कर देंगे, अभी हमारे पास 6-7 मिनट है, थोड़ा सा हमने लेट भी शुरू किया था, सो मान के चलते हैं 15 मिनट है, 15 मिनट में 128 हम निपटा देंगे. ठीक है, सो 128 को एक बार बुक से रीड करते हैं. 128 says, if any party to a suit gives evidence therein at his own instance or otherwise, he shall not be deemed to have consented thereby to such disclosure as is mentioned in section 126. And if any party to a suit or proceeding calls any barrister, pleader, attorney or wakil as a witness, he shall be deemed to have consented to such disclosure only if he questions such barrister or attorney or wakil on matters which but for such questions he would not be at liberty to disclose. अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि 126 ने आपको कहा कि there is a client of yours. This client has made some communication to you. And you being a legal practitioner, a legal professional, you are under some ethical duty. And that duty is ki aapko jo bhi confidence mein bataya gaya hai, jo bhi ye confidential communication kari gayi hai, you will protect that confidence and the confidential information. Aapke upar ye duty lagayi gayi hai. Theek hai? आपने वो ड्यूटी मान भी ली, आप 126 को फॉलो कर रहे हो और आप किसी को डिस्क्लोज भी नहीं कर रहे हो, आप अपना प्रोफेशनली काम कर रहे हो. नाउ 128 में क्या हुआ है कि अब जो कम्युनिकेशन इसने किया था ना और इसने बोला था कि आप इसको आप कॉन्फिडेंशियल बना के रखना, उसके लिए ये खुद विटनेस बन के जा रहा है और खुद कह रहा है कि हाँ सर मैंने ये कम्युनिकेशन है एंड आई विल बिकम अ विटनेस और मैं इस चीज के बारे में आपको बताऊंगा. खुद अपने आप उस चीज को डिस्क्लोज करने गया है वो. क्या उसके डिस्क्लोज करने से आपको लाइसेंस मिल जाएगा कि आप भी जाके डिस्क्लोज करो? विल इट बी डीम्ड टू बी अ कंसेंट? 126 में बोला है ना कि कंसेंट अगर मिल जाए तो डिस्क्लोज कर लेना. तो क्या वो कंसेंट आपको मिल जाएगा जैसे ही एक विटनेस खुद अपनी बात को कोर्ट में बताने पहुंच जाएगा? नो सर. एग्जैक्टली व्हाट 128 वांट्स टू से 128 यही कहना चाहता है कि जस्ट बिकॉज विटनेस एट हिज ओन इंस्टेंस गोज टू द कोर्ट एंड गोज एंड डिस्क्लोज और गोज एंड डिपोजेस अबाउट सर्टेन कम्युनिकेशन और सर्टेन फैक्ट डज नॉट मीन दैट यू ऑल्सो गेट द लाइसेंस टू गो टू द कोर्ट एंड मेक दैट डिस्क्लोजर. आपको लाइसेंस नहीं मिल जाएगा, यू विल नॉट डिराइव अ लाइसेंस फ्रॉम द फैक्ट दैट विटनेस अपने आप जाके कुछ वहां पे बोल रहा है. भाई वो अपना छीछा लेकर जो उसे करना है वो करें, उससे आपको कोई राइट नहीं मिल जाता, उससे आपको कंसेंट नहीं मिल जाता. मगर आपको कंसेंट कब मिल जाएगा? Nandini, you have something to say? If that disclosure has already been made in the court, and then we have the option to close. नहीं, आपको क्या पता disclosure कितनी बातों में से कितनी बात का किया गया है? क्या पता उसने सिर्फ 10 बातें हैं, 10 बातों में से उसने 8 बातें बताई हैं, तो क्या आपको लाइसेंस मिल गया कि बाकी 2 बातों के बारे में आप जाके बता दो कोर्ट को? नहीं. Sir, may not be about the 2, but about the 8, what is the like? जो 8 चीजें हैं उनके ऊपर भी आप तब तक बात नहीं करोगे कोर्ट में आके जब तक आपको अपना आपका क्लाइंट एक्सप्रेस कंसेंट जब तक नहीं दे देगा वो उस चीज के बारे में, तब तक आप उस चीज के बारे में बात नहीं करोगे. सो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा, आप अपने आप शेरशाह नहीं बनोगे. आपको जितनी आपको ड्यूटी और जितना राइट दिया गया आप सिर्फ उतना फॉलो करोगे, दूसरे से अपना राइट डिराइव नहीं करोगे जब तक आपको एक्सप्रेसली नहीं वो राइट दे देता. ठीक है, तो इन्होंने बोला कि ऐसी सिचुएशन में आपको नहीं मिलेगा राइट, मगर मिल जाएगा अगर वो विटनेस खुद
आप ही को बोलता है कि आओ एज अ विटनेस. इफ द प्लीडर इज कॉल्ड एज अ विटनेस बाय द पार्टी, पार्टी खुद उसको एज अ विटनेस बुला रही है कि सर आप आओ और बताओ हमारे बीच में क्या बात हुई थी, आप इनको क्लैरिफिकेशन दो, इनको बताओ मैं कितना अच्छा आदमी हूं. तो जिस चीज के बारे में उसने बुलाया है उन क्वेश्चंस को, ओनली दोज क्वेश्चंस यू कैन डिपोज अबाउट. उससे बाहर नहीं जाओगे. अगर वो आपको 1, 2, और 3 क्वेश्चन के बारे में पूछ रहा है तो बस आप इनके बारे में बताओगे, बाकियों के बारे में नहीं बताओगे. मगर इतने के बारे में अगर उसने आपको बुला लिया है और आपको क्वेश्चन करता है, दैट विल बी अ डीम्ड कंसेंट. उससे पहले वो डीम्ड कंसेंट नहीं बनेगी. सो डीम्ड कंसेंट सिर्फ एक ही सिचुएशन में है जिसमें ये आपको खुद बुला के आपको खुद क्वेश्चन करता है. अदरवाइज वो खुद अपनी डिपोजिशन कर रहा है, उससे आप अपना लाइसेंस डिराइव नहीं करोगे, उससे आप कंसेंट डिराइव नहीं करोगे. लास्ट में एक चीज और बोलता है, कहता है कि अगर उसने आपसे बोला है ना कि आप सेकंड पॉइंट के बारे में बता दो, आप सेकंड पॉइंट के बारे में ये चीज बताओ. अब जब उसने बोल दिया कि इस सेकंड फैक्ट के बारे में बता दो, इसके अंदर वो कोई फिल्टर नहीं लगा सकता. अब इसके अंदर वो ये नहीं बोल सकता कि सेकंड वाला जो फैक्ट है ना उसकी आधी बात बता दो, 1/2 बता दो या 1/4 बता दो, पूरी बात मत बताना. ऐसा नहीं कर सकता, देन देयर इज नो फिल्टर. जिस चीज के बारे में बोल दिया उस चीज के बारे में फिर पूरा बता सकते हो आप. मगर नॉर्मली आप अपने आप से उस्ताद नहीं बनोगे. जबरदस्ती बोलते हैं ना चौधरी बन रहा है, चौधरी नहीं बनना जाके. ठीक है, कोई चौधरी तो नहीं हमारी क्लास में, आई थिंक सारे शर्मा और मिश्रा जी हैं. ठीक है, कोई बात नहीं. ओके, सो 128 को एक बार फिर से पढ़ते हैं, क्लैरिटी आ जाएगी. इट सेज इफ एनी पार्टी टू अ सूट gives evidence therein at his own instance, at his own instance, वो कोर्ट में आता है और अपना evidence देता है किसी बात के ऊपर, he shall not be deemed to have consented thereby to such disclosure as mentioned in 126. तो 126 में जो आपके ऊपर बार लगाया गया है उसका deemed consent नहीं मिल जाएगा आपको. वो अपनी बात कहने आया, कह के चला जाएगा, आप अपने घर में बैठो. ठीक है, and फिर second part क्या है? The second part is, कहाँ गया second part? And if any party to a suit or proceeding calls any such barrister, pleader, attorney or vakeel as a witness, अगर उसने आपको खुद बुलाया है, then he shall be deemed to have consented to such disclosure. तब deemed disclosure, deemed consent हो गया. मगर उसके बाद एक उन्होंने proviso type का और लगा दिया. So क्या बोलता है? He shall be deemed to have consented to such disclosure only if the questions if he questions such barrister on the matters which but for such question he would not be at liberty to disclose. sirf wo jab aap se us bare mein question puchega, agar usne 10 mein se sirf third cheez ke bare mein question pucha hai to hi aap usko disclose karoge, 8va pucha hai to hi aap disclose karoge, 9va pucha hai usko disclose karoge, iske alawa 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10 inke bare mein aap kuch nahi bataoge. jis cheez ke bare mein question kiya hai sirf us cheez ke upar aapko deemed consent milega, baki cheezon pe nahi milega. मगर जिन चीजों पे डीम्ड कंसेंट मिल चुका है वो आप पूरी पूरी बता सकते हो, पूरी पूरी. ठीक है, ये इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट है 128 का. देख लेते हैं 128 पे कुछ है क्या. सो 128 पे क्या है, ये किसका प्रिविलेज है? पहला क्वेश्चन है कि ये किसका प्रिविलेज है, क्लाइंट का प्रिविलेज है या लॉयर का प्रिविलेज है? क्लाइंट का सर. बिल्कुल, क्लाइंट का प्रिविलेज है क्योंकि क्लाइंट का नुकसान है. अगर आप जबरदस्ती वहां पहुंच गए तो क्लाइंट का नुकसान होगा. एंड पावर किसके हाथ में है? वो भी क्लाइंट के हाथ में है, वो कंसेंट दे सकता है ना. तो जो कंसेंट दे सकता है उसी का तो होगा ना, वही तो वेव करेगा जिसके पास कोई राइट है. जो आपके पास है नहीं उसका आप क्या करोगे, है ना. तो आज की डेट में मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बोलूं मैं करोड़ों रुपए छोड़ता हूं अपनी जायदाद के, करोड़ों रुपए देना चाहता हूं किसी को, तो जब है ही नहीं तो क्या किसको क्या दूंगा, है ना. सो जिसके पास राइट है वही कुछ दे सकता है. देन कैन ही बी क्रॉस एग्जामिन्ड एंड कैन द लॉयर बी कॉल्ड टू डिपोज. अब इसका कहने का मतलब ये है कि मोटी मोटी बात, अगर आपको बुलाया जाता है ना किसी चीज के बारे में बताने के लिए और वहां पे वो कहते हैं कि आपको कंपेल नहीं किया जाएगा, आपको क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, तो जितना ये कहना चाह रहा है, ये सिर्फ इतना कहना चाह रहा है कि जिस चीज के लिए बुलाया है ना उस चीज के बारे में जब आप आंसर वांसर दे दोगे उसके बाद आपकी क्रॉस एग्जामिनेशन करने को नहीं बिठा लेंगे. जितनी आंसर आपको देने के लिए बोला है उतना आंसर आपने दे दिया, आपका काम खत्म. अब अगली पार्टी भी उसके ऊपर आपके एग्जामिन और क्रॉस एग्जामिन ये सब चीजें नहीं करेगी, इन डेप्थ नहीं जाएंगे. मगर इसके ऊपर कंफ्लिक्टिंग व्यूज हैं, ये ध्यान रखना, इसके ऊपर अलग अलग हाई कोर्ट से कंफ्लिक्टिंग व्यूज हैं. ठीक है, क्योंकि कुछ हाई कोर्ट कहती हैं कि अगर कोई भी एविडेंस आया तो भाई क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट होना चाहिए,
क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट तो बहुत सर्वोपरि राइट है, मगर कुछ कहती हैं कि नहीं यहाँ पे ये जितनी बात उसने बस बोलने के लिए बुलाया आप उतनी बात करो और उसके बाद लॉयर को जाने को रफा दफा करो, क्योंकि अगेन यहाँ पे बातें हैं ठीक है, अगर कोई डिस्क्लोजर दूसरा आप करा लेते हो तो वो गलत हो जाएगा, किसी और का राइट हर्ट हो जाएगा उससे ठीक है। देन कॉलिंग लॉयर इज नॉट अ वेवर, ऑफकोर्स दैट इज वॉट इज रिटन इन द सेक्शन, कि सिर्फ आपको बुला लेने से वो वेवर नहीं हो जाता, इट इज अ वेवर ओनली इफ ही कॉल्स एंड ही एक्चुअली क्वेश्चंस यू अबाउट थिंग्स ठीक है। तो डीम कंसेंट कब मिलेगी ये आपको ध्यान रखना है। आई थिंक दैट इज हाउ फार वी कुड गो टुडे, इसके आगे हमारे पास 130, 131 बहुत छोटे सेक्शन हैं, बट अभी नहीं जाते क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, एंड 132 बहुत इंटरेस्टिंग है, ये हम अगली क्लास में करेंगे, एंड दिस इज वन कॉन्सेप्ट जो बहुत लोगों को समझ आता ही नहीं है, बट वट आई वुड रिक्वेस्ट फ्रॉम एवरीबडी इज कि मैंने ये जजमेंट निकाली थी आज और ये मैंने जजमेंट पढ़ी और ये मैंने कोर्ट में ही पढ़ी, इतनी अच्छी जजमेंट थी, पीछे बैठे बैठे मैं पढ़ता जा रहा था, ये नोट कर लो, आर दिनेश कुमार एट द रेट दीना वर्सेज स्टेट, मद्रास हाई कोर्ट की है, 13 November 2014, दीना वर्सेज स्टेट, एंड दिस गिव्स यू अ ग्रेट आइडिया अबाउट व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ सेक्शन 132 एंड सेक्शन 132 में जो आपको प्रिविलेज दिया जाता है, एंड साथ ही साथ 23 में जो आर्टिकल 23 जो है, बेसिकली 132 क्या बोलता है कि किसी को भी आप कंपेल कर सकते हो कोई भी चीज बताने के लिए और बंदा मना नहीं कर सकता, कोई भी विटनेस ये नहीं कह सकता कोर्ट को कि मैं नहीं बताऊंगा, कोर्ट कंपेल कर सकती है, मगर उस कंपल्शन के ऊपर उसको सजा नहीं दोगे ठीक है, उस कंपल्शन के ऊपर उसे सजा नहीं दोगे। उसी जगह आर्टिकल 20 क्या बोलता है, आर्टिकल 20 बोलता है कि नो अक्यूज्ड शैल बी मेड टू मेक अ स्टेटमेंट विच इनक्रिमिनेट्स हिमसेल्फ, इनक्रिमिनेटिंग स्टेटमेंट देने के लिए किसी भी अक्यूज को कंपेल नहीं किया जाएगा। अब इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है और जिस तरह से इन्होंने समझाया है फैक्ट्स के साथ लगा के, इज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुली प्लेस्ड जजमेंट एंड अ वेरी वेरी ब्यूटिफुली प्लेस्ड केस ओवरऑल। सो ये अगर आप पढ़ सको तो एक बार पढ़ के आना, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही अगली क्लास में ठीक है। आई शेयर द लिंक इन द ग्रुप ठीक है। बाकी और किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो सर, सॉरी आई हैव जॉइंड दिस कोर्स लेटर, मींस वेरी लाइक चैप्टर्स सेक्शन नंबर 126 ऑनवर्ड्स, सो इज देयर एनी प्रोविजन दैट आई कैन व्यू द प्रीवियस वीडियोस और प्रीवियस सेक्शंस? हां हां ऑफ कोर्स मोनिला, आपने वो किया होगा ना लॉयर्स क्लब इंडिया पे, यू गॉट द एक्सेस, आपने जब फील किया होगा या जब भी आपने एनरोल किया होगा तो आपको एक्सेस मिला होगा। यस सर। तो वही एक्सेस इसी चीज के लिए है कि यू गेट ऑल द एक्सेस टू द रिकॉर्डिंग्स। Right, sir. से पहले जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं उसकी आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, यू कैन वॉच देम फॉर एज मेनी टाइम्स एज यू वांट। राइट राइट सर, या थैंक यू सो मच, नो प्रॉब्लम। एनीबॉडी एल्स एनीथिंग? राघव जी। हां जी सर, 132 का जो मिस नॉट आंसर, इसके अंदर जो अपने 122 से लेकर 129 तक जितना पढ़ा है, ये लोग तो एक्सक्यूज में आएंगे, ये तो प्रिविलेज में आ गए तो उनको तो कोर्ट नहीं करेगा प्रेशराइज, कंपेल नहीं करेगा, वो कंपेल नहीं कर सकता क्योंकि ये उसका एक्सेप्शन है। Exactly. यहाँ पे तो स्पेशली स्टैट्यूट ने बोल दिया ना कि आप लोगों को कंपेल नहीं करेंगे, आप लोगों को परमिट भी नहीं करेंगे या जो भी सिचुएशन है, तो ऑब्वियसली ये तो बाहर हो गए। अब 132 जो है वो जनरल पावर है कि आप कंपेल कर सकते हैं, अदर देन दीस पीपल आप कंपेल कर सकते हैं ठीक है। उसी को हम किस 147 के साथ रीड करते हैं, और जब 147 रीड करते हैं तो 146 और 148 उसके साथ दहेज में आ जाता है फ्री में, तो वो भी हम साथ में रीड करते हैं, तो वो जब पूरा का सारी चीजें पढ़ेंगे तो बड़ा मजा आएगा। इस जजमेंट के अंदर इन्होंने उन्हीं सारी चीजों पर बात करी है जिस पर हम करने जा रहे हैं, तो 132 रेड विद 146 147 148 एंड दीस सेक्शंस एंड आर्टिकल 20 सब आर्टिकल क्लॉज 3 ठीक है। सो दैट विल बी फन, एक बार अगर आपको टाइम लगे तो चार पांच घंटे तो नहीं, मुश्किल से एक घंटे में हो जाएगी ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट इवनिंग एवरीबॉडी, सी यू ऑन संडे। थैंक यू सर, थैंक यू, गुड नाइट। आई होप द न्यू वन अंडरस्टूड। चलो ठीक है, समझ आई है। यस सर आया समझ जी। ऑल राइट, थैंक यू। यस सर, फर्स्ट क्लास है, काफी कुछ समझ में आया। एविडेंस एक्चुअली मैंने पहली बार पढ़ा है, हमारा फर्स्ट सेमेस्टर ही है, सो फर्स्ट सेमेस्टर के हिसाब से, बट यू हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ पेस आईपीसी में भी, आई सॉ दैट यू वर ऑन पॉइंट विद योर लॉ पॉइंट्स ना। Thank you.